वैसे राजस्थान नेचुरल फार्मिंग कोलिशन की तरफ से रखा गया है, एंड बेसिकली मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझना है। राजस्थान कोलिशन लगभग 40 ऑर्गेनाइजेशंस का कोलिशन है, इसमें नेशनल कोलिशन से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में हमने पहले 1 महीने पहले लगभग 2 सेशन रखे थे, राजेश टैपको से और रेजी जॉर्ज PHI से। और इस सेशन में आशीष गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो जैविक हार्ट और ग्राम दिशा ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, करीबन 20 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अभी थोड़ा हमें समझाएंगे कि मार्केटिंग जैविक और प्राकृतिक खेती से संबंधित कैसे कर सकते हैं, है ना? आशीष जी, यू कैन टेक ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद आज आमंत्रित करने के लिए। मैं मान के चल रहा हूँ जो जितने साथी हमारे जगह जगह से जुड़े हुए हैं तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में बात कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति हो तो कृपया बता दीजिए, अदरवाइज दोनों भाषाओं का हम बराबर। ज़्यादातर हिंदी में रखते हैं और ठीक है तो जैसा आशीष पांडा ने अभी आपको परिचय दिया, हाँ आप ठीक की आवाज आ रही है। आई थिंक बार सर मॉडरेटर बाकी लोगों को म्यूट कर दीजिए सर। हाँ म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ बाजार से जुड़ी हुई बातें करेंगे, जो हम जैसे कोई विशिष्ट प्राणी हैं जो जैविक खेती के माध्यम से या प्राकृतिक खेती के माध्यम से पिछले 16 से 20 सालों के बीच में एक पागलपन की तह से लगे हुए हैं इस काम में, हो भी नहीं पा रहा और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, यही सच्चाई है इस काम की। खैर आगे बात करते हैं। आज थोड़ा सा चर्चा के माध्यम से बात करते हैं, क्योंकि ये बाजार का जो विषय है ये जटिल विषय है। इसके बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना कम समझ आएगा, जो लोग करते हैं उन्हीं को समझ आता है। और एक तरीके से ये बहुत बटा हुआ एक सेक्टर है, जिसको समझना तभी संभव है अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जरूर है कि न्यूनतम लेवल पर हम सब ग्राहक हैं, जो किसान हैं वो भी ग्राहक हैं, वो भी बाजार से कुछ ना कुछ खरीद के खाते पीते अपना भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का। लेकिन जो किसान हैं वो कुछ रूप से अपने लिए कुछ उगाते भी हैं, लेकिन सब कुछ तो हर कोई किसान नहीं उगा सकता। कम से कम नमक मसाले कोई ना कोई तो बाहर से लेने ही पड़ते हैं। तो उपभोक्ता तो सब हैं, कंज्यूमर तो सबके सब हैं हम, ये तो सच्चाई है एक। अब हम बाजार से किस दृष्टि से जुड़ते हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, ग्राहक समझते हैं या किसान समझते हैं या व्यापारी समझते हैं या उद्योगपति समझते हैं, जो भी हम समझते हैं हम उसी दृष्टि से बाजार को देखते हैं। तो हमारे सांस्कृतिक रूप से बताएं तो हाथी का वर्णन किया गया है, हमारे बड़े सारे पुराणों शास्त्रों उपनिषदों में भी वर्णन किया गया है आगम निगम में, कि कोई हाथी के पैर को हाथ लगाता है तो समझता है कि लकड़ी है, कोई पूंछ को पैर लगाता है तो समझता है झाड़ू है, कोई सूंड को हाथ लगाता है तो समझते हैं कि भाई कोई सांप या रस्सी है। तो ऐसे ही हर किसी का अपना एक विषय है, अपना एक विचार है, लेकिन पूरा का पूरा जो हाथी है ये बहुत कम लोगों को नजर आता है। और जो इस पूरे के पूरे हाथी को देख भी लेता है, इस बाजार के हाथी को, वो या तो हंसता है या फिर रोता है। यही दो स्थितियां हैं जो आती हैं जब भी हम बाजार से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं। खैर थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बना लेते हैं इस सेशन को, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैं ही बात करूं और मेरे बाद रोहित बात करने लग जाए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सब अपनी स्क्रीन पे अभी एक QR कोड देख रहे होंगे और एक ये स्लाइडो करके कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे। आप अगर सुविधा है तो अपने मोबाइल फोन से ये QR कोड स्कैन कर लीजिए या फिर ये slido.com पे जाके ये कोड डाल लीजिए। थोड़ा सा सर्वे जैसा करना है ताकि पता चल जाए कि हमारे साथ जो साथी हैं वो किस सोच के साथ इस हाथी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा खेल जैसा समझिए, ऐसे कोई
कोई सीरियस कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि बाजार अपने आप में एक बहुत सीरियस विषय है, लेकिन आप इसको जरा स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन से या जैसे भी, और इस पोल को शुरू करते हैं। जो अभी स्लाइड को नहीं भी कर पाए, आपको फिर मौका मिलेगा। आशीष, यस या गुप्ता जी, कैन आई पुट द लिंक दैट यू हैड शेयर्ड? दैट माइट हाँ बी हाँ प्लीज हेल्पफुल। भेज दीजिए, चैट पे भी भेज दीजिए लिंक। हाँ, तो मैंने एक लिंक भी डाला है, आप उस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। चैट में लिंक डाला है। जी, कविता, तो यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, चाहे लिंक के माध्यम से कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर। जस्ट दैट वी कांट सी द QR कोड बीइंग प्रोजेक्टेड। ओके, QR कोड इज ऑन द लेफ्ट पैनल ऑफ द स्क्रीन राइट नाउ। वी कांट सी इट बीइंग प्रोजेक्टेड। कविता, किसी को दिख रहा है? या QR कोड दिख रहा है मुझे, बट आई हैव पुट द लिंक app.slido/event इन द चैट। आर यू एबल टू सी इट? हाँ, तो अब दिख रहा है? मैंने हाँ फिर जी, शेयरिंग हाँ की जी, है। अब ऑन द दिख लेफ्ट रहा साइड, है, ऑन द अब लेफ्ट दिख साइड। रहा है। फाइन फाइन, तो अब ये या तो ये लेफ्ट में जो QR कोड है बाएं हाथ ऊपर वो डाल लीजिए, या फिर ये slido.com करके वेबसाइट है, इस पे चले जाइए और इस पे कोड डाल दीजिए 2850257। ठीक है जी। हाँ, कुछ लोग लग रहा है, 12-13 लोग तो जुड़ गए हैं और कुछ टाइप कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 मिनट और है। चलो, जबरदस्त, चिलिंग, आई एम गुड, ऑलमोस्ट गुड, डूइंग गुड, गुड, फाइन, उम्दा, ठीक ठाक है, अच्छी बात है, शुक्र है, कोई दुखी नहीं है अभी। अगर कोई दुखी है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि इस मीटिंग के बाद हंसते हुए कैसे जाएं वापस, बट फिलहाल तो बढ़िया है। तो लगभग 20-21 लोग जुड़ गए हैं, 20-21 लोग नजर आ रहा है, कर पा रहे हैं आप, तो चलिए ठीक है। लग रहा है मुझे कि 22-23 लोग आ गए हैं, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, मैं अगला स्लाइड एनेबल कर रहा हूँ। उस पे कुछ सवाल होंगे जो आप अपने मोबाइल फोन से बड़ी सरलता से उत्तर दे सकते हैं, और एक बार आप अपने उत्तर दे देंगे तो उसके बाद हम यहीं से चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि हम सब हैं कहाँ, किस तरीके से हैं, क्या सोचते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए, अच्छा चलिए, ये फटाफट बताइए कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली कोई एक सब्जी का नाम बता दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, कोई एक सब्जी। आलू, बहुत बढ़िया, बेचारा आलू सब जगह मारा काटा खाया जाता है। करेला, आलू बहुत बड़े तरीके से है, काम कर रहा है। भिंडी, लौकी, कैप्सिकम, करेला। करेला बड़ा होता चला जा रहा है, लगता है इंजेक्शन लगाया करेले को किसी ने, भिंडी भी बड़ी हो गई। चलो ठीक है, 19-20 कैप्सिकम, बाप रे, उभर के आ रही है, भिंडी और बड़ी हो गई। चलो देखते हैं, 20-20 लोगों ने जवाब दिया है। आप में से अगर एक दो और थोड़ा टाइप करना चाहें कर दीजिए। बीटरूट, बैंगन, गोभी, स्पिनच। एक एक भिंडी भी है, वो शायद भिंडी होगी, लेकिन अच्छा लिखा हुआ अच्छा है। हाँ, आलू वापस आ गया है। आलू पीछे कैसे रह सकता है। चलो ठीक है, परवल खाने वाले भी सज्जन हैं हमारे साथ। बहुत बढ़िया। चलो, मटर पनीर, ये पंजाबी को ही होगा, पंजाबी है जो पनीर को सब्जी बना डालते हैं। मटर पनीर, पनीर कब से सब्जी हो गया भाई? सब्जी मतलब सब्जी जो पेड़ पे उगती है यार। पनीर तो गाय के दूध से आता है। चलो ठीक है, आपने कहा घर में बनती है तो किसी ने डाल ही दिया। अरे मैं यही बता रहा हूँ ना, हम पंजाबी लोग ही हैं जिन्होंने पनीर को भी सब्जी बना डाला यार। मजाक करते रहते हैं हम लोग, पनीर सब्जी थोड़े ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो ठीक है, 25-21 लोगों ने जवाब दे दिया, यहीं से आगे चलते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी दो सब्जियां निकल के आई, एक आलू निकल के आया, एक भिंडी निकल के आई, ठीक है जी। एक काम करते हैं, जो सबसे सरल है आलू, उसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आलू छोटा हो गया यार, ये क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो भिंडी को आगे लेके चलते हैं। 27 लोगों ने जवाब दिया है और सबसे ज्यादा भिंडी खाई जा रही है। मजे की बात है, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड भी भिंडी के ऊपर ही होता है, भिंडी, बैंगन, इनके ऊपर दबा दबा के पेस्टिसाइड होता है। बट आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बनती है बात भिंडी से। अब भिंडी, अब सब भिंडी के बारे में सोचिए, ठीक है, ओकरा, लेडी फिंगर के बारे में। अब बताइए, आप में से किसान कितने लोग हैं? 100%, 10 लोगों ने, 50-50, 64-36।
27 लोगों ने पिछला सर्वे किया था, ये भी कोशिश करते हैं 27 लोग आ जाए। हमारे साथ 53 लोग हैं, तो 50% लोग भी सर्वे में भाग ले लें तो कुछ हमारे पास डेटा आ जाएगा। 24, मतलब आधे से ज्यादा खेती से जुड़े हुए हैं हम। बहुत बढ़िया। 42, 26। सज्जनों, आप में से एक या दो लोग और सर्वे अगर पार्टिसिपेट करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। हम 54 लोग हो गए हैं, आधे लोग भी पार्टिसिपेट कर ले सर्वे में तो थोड़ा सा जेन्युइन जैसा लगेगा। सर्वे तो चलिए ठीक फ्री है, है। ठीक है। 58%, यानी 54 लोग हैं हम 27। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आधे से ज्यादा हम में से खेती से जुड़े हुए हैं, किसान भी मानते हैं अपने आप को। बहुत बढ़िया जी। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब जो आपने सब्जी बोली भिंडी, कोई मुझे ये बता दे कि इसका मूल्य क्या होना चाहिए किलो का। पैंतालीस सेकंड बचे हमारे पास जवाब देने के लिए। कुछ सज्जनों ने दे दिया, 10 लोग हैं जिनके आ गए जवाब। दस ग्यारह लोगों का जवाब हो गया। किलो का क्या भाव होना चाहिए भिंडी का? इससे अभी मतलब नहीं है फिलहाल कि पेस्टिसाइड वाली भिंडी है या प्राकृतिक रूप से है या बिना पेस्टिसाइड के, बिना कीटनाशक के हैं। आ रहे हैं जवाब। 58% कह रहे हैं भाई 40 से 100 रुपए होना चाहिए, कई कह रहे हैं 20 से 40 होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि 1 से 10 किसी ने नहीं कहा, पता नहीं और परवाह नहीं भी किसी ने नहीं कहा, यानी हर किसी को पता भी है, हर किसी को परवाह भी है। ठीक है जी, तो चलिए सर्वे तो हो गया बंद। एक सेकेंड, ठीक है जी। तो 58% हमारे जो साथी हैं आज कहते हैं 40 से 100 रुपए के बीच में है, और 42% ये कह रहे हैं कि 20 से 40 रुपए के बीच में है। अब मोटा मोटा अगर देखा जाए, 21 लोगों ने जवाब दिया, 21 में से 19 लोगों ने जवाब दिया समय पे। तो क्या आप में से कोई जानता है कि 20 से 40 क्यों हो या 40 से 100 क्यों हो? आप में से कोई भी बोल सकते हैं क्यों होना चाहिए 20 से 40, या क्यों होना चाहिए 40 से 100 भिंडी का रेट? कोई भी? 80 मेरी जी, बात मुझे लगता है कि इसलिए होना चाहिए कि भिंडी का थोड़ा प्रोडक्शन भी कम होता है और इसमें बहुत काम होता है, तो ठीक है, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है। और कोई? मेनली ट्रांसपोर्टेशन। मेनली ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और कोई? हेलो हाँ जी, सर, ये भिंडी एक ऐसा पौधा है कि है ना, इसकी देख रेख अच्छी बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि ये पौधा जल्दी खराब होने के चांसेस इसमें ज्यादा रहता है, और इसमें कीड़े वगैरह लगने के भी चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो ठीक है, इसकी याद इसलिए है। इसकी रेट थोड़ी बाकी सब्जियों से तो हाई ही रहती है वैसे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए कुछ उत्तर आए हमारे पास कि भाई इसको हेलो, उगाना मुश्किल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ, भिंडी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है ना, उसका कल्टीवेशन सॉरी हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी अच्छा खासा पड़ता है ना, जी तो जी जी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण आपका कॉस्ट बढ़ जाता है उसका। ठीक है। तो ऐसा है जी, जितने आप में से जितने सज्जनों ने अभी जवाब दिया, मैं मान के चल रहा हूं आप खेती से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे साथ इत्तेफाक रखते होंगे कि आपके हिसाब से, क्योंकि लागत मूल्य ज्यादा है, क्योंकि लेबर ज्यादा है, क्योंकि देख रेख ज्यादा रखनी पड़ती है, इसलिए 40 से 100 रुपए के बीच का जो रेट है वो वाजिब है। सही कह रहा हूं मैं? चलिए, जी, अगर मार्केट में, यस। हाँ मार्केट में हाँ, खेत में तो अलग है, अलग बात है, उसको ज्यादा नहीं मिलता।
हाँ, वो बात सच है कि किसान को आज की डेट में ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन मान हम ये रहे हैं कि हाँ 40 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए, दो चीजें सामने निकल के आई, एक निकल के आया 20 से 40, एक निकल के आया 40 से 100। अगर आपने भिंडी उगाई है, अगर आपने कभी भिंडी उगाई है, और अगर मान के चलो आप एक बीघे पे भी भिंडी उगाते हैं, न्यूनतम मान के चलिए आधा बीघा, एक बीघे पे भी आप भिंडी उगाते हैं, तो उसपे जो आपका लागत है, जो आपकी लेबर है, सब कर करा के मान के चलो आप 1 कुंटल भिंडी निकाल भी लेते हो खेत से कम 40 रुपए तो आपको मिलना ही चाहिए, मानते हैं? डू यू अग्री दैट वी विल गेट, वी शुड गेट, द फार्मर शुड गेट अबाउट $40 फॉर ओकरा? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल इतना तो मिलना ही चाहिए, मिलना नहीं तो चाहिए, उसके बाद नहीं तो फिर कमाएगा क्या और क्या करे, परिवार कैसे चलाएगा। राइट। सो वी हम इस लेवल तक आ गए। कविता, आशीष, आई थिंक सम ऑफ आर कॉलीग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज मे हैव ज्वाइन टुडे, कैन यू कंफर्म? इफ दैट्स द केस देन आई विल स्विच टू इंग्लिश, और व्हाट डू वी डू? या इट डज लुक लाइक ब्रूनो डोरिन इज हियर। ओ हेलो ब्रूनो। या मे बी अ मिक्स इफ इट्स पॉसिबल, यू कैन स्पीक। हाँ एक, हाँ ऑल राइट, ब्रीफ हिंदी सो स्पीच अगर। हाँ ऑल राइट सो व्हाट वी हैव अंडरटेकन एज एन एक्सरसाइज, जो अभी हमने ये काम किया है, इसमें वी हैव कंक्लूडेड दैट एटलीस्ट 40 रुपीज अ किलो तो फार्मर को मिलना चाहिए, दैट्स व्हाट द फार्मर शुड गेट फॉर ग्रोइंग ओकरा। सो व्हाट वी थिंक इज $40 मे बी अ फार्म गेट प्राइस, ठीक है जी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट अभी तक जितने भी जवाब आए, एज मेनी आंसर्स दैट केम, वो सारे परसेप्शन के ऊपर बेस्ड है। हम में से कोई, वी कैन नॉट पिन पॉइंट वाई इट शुड बी 40, वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग इट मे बी 40। एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द फार्मर, हो सकता है 30 रुपए हो सकता है 50 रुपए हो। सो द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, या फिर जो मजे की बात है, वो ये है कि हम में से किसी को पता ही नहीं है। नन ऑफ अस नो रियली व्हाई, क्यों होना चाहिए भिंडी का रेट 40, 40 से कम, 40 से ज्यादा। सब कुछ एक परसेप्शन के लेवल पे है, जस्ट एक अंदाजा है दैट मे बी $40। और अभी भी हमारे जितने साथियों ने जवाब दिया है, वो भी एक अंदाजे से ही बोल रहे हैं कि अगर 40 रुपए का रखेंगे तब जाके शायद पालन पोषण हो पाएगा या कुछ हो पाएगा। बट मजे की बात यह है कि उनको भी पता ही नहीं है कि 40 ही क्यों, 30 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। सो जो एक बड़ी विचित्र सी बात है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग जो हमारे साथ हो रहा है बाजार में, चाहे आप हाथी को कैसे भी देख रहे हो, वट एवर वे यू आर लुकिंग एट दिस एलिफेंट, मे बी एज अ कंज्यूमर, मे बी एज अ फार्मर, मे बी वट एवर, एंड इवेंचुअली तो यही दो सेगमेंट्स है ना, या तो आप उगा रहे हैं या आप खा रहे हैं। नाउ ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स, ऑल ऑफ अस आर ईटिंग, और अ फ्यू ऑफ अस आर प्रोड्यूसिंग, और कहीं ना कहीं हम बैठ रहे हैं, बट फॉर श्योर ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स, ग्राहक तो सब हैं। न ग्राहक न किसान रेट के बारे में कुछ कर पा रहा है, कोई भी नहीं। उगाने वाला, खाने वाला, दोनों ही जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं इस बाजार के मूल के लिए। डॉक्टर वसीम हैज गिवन 55 to 68 thousand पर हेक्टेयर शुड बी द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन फॉर ओकरा। आई एम श्योर कुछ एक कैलकुलेशन की है डॉक्टर वसीम ने, एंड द हायर इट इज द मोर आई अग्री विद हिम, द मोर आई वर्क विद द ऑर्गेनिक फार्मर्स, द मोर वी इंटरैक्ट विद द फार्मर्स, वी रियलाइज दैट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज एक्चुअली क्वाइट हाई। नाउ ऑल ऑफ अस हैव दीज मोबाइल फोन्स, या ऑल ऑफ अस हैव मोबाइल फोन, सम ऑफ अस आर कनेक्टिंग टू द लैपटॉप्स। यूजुअली इन द डोमेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, या कुछ भी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, कुछ भी जब उत्पादन होता है तो उसका जो रेट है, वट एवर इज द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोड्यूसर सेट्स द प्राइस। लाइक द मोबाइल फोन, दिस कंपनी हैज सेट द प्राइस, द कंज्यूमर हैज नॉट सेट द प्राइस, द कंपनी हैज सेट द प्राइस, देर इज अ मार्जिन फॉर द रिटेलर, देर इज सेल, अ होल सेल सिस्टम, बट द बेसिक प्राइस हैज बीन सेट बाई द मैन्युफैक्चरर और द प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, इन दिस केस सैमसंग और विच एवर कंपनी, बट द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स
द फार्मर दे आर नॉट एबल टू सेट देयर प्राइस. सो दिस इज द स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिचुएशन इन इंडिया एंड ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोबल साउथ. वी हैव सीन दिस इन आर देयर पार्टिसिपेंट्स हु कैन नॉट फॉलो हिंदी. ओके, सो फाइन. तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करता हूँ, तो ये विडंबना है. हाउ, कहाँ से, मतलब क्या, किस बेसिस पे हम तय करें कि भाई रेट कल्टीवेशन किस हिसाब से होनी चाहिए. आज की डेट में जो भी हमारा ढांचा है, विच एवर स्ट्रक्चर वी हैव फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन, इट इज क्वाइट सेंट्रल और इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू सेट द बेसिक प्राइस. नाउ देर आर टू एस्पेक्ट्स, एक कॉस्ट है, एक प्राइस है, यानी लागत. आप हेलो, हाँ, या एक लागत मूल्य है और एक हमारा दाम है जो बाजार हमें देता है. तो दो दो देर आर टू एस्पेक्ट्स, ठीक है जी. देर इज वन प्राइस, देर इज अ कॉस्ट. नाउ सम फार्मर्स वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि उनका कॉस्ट क्या है, बट बाय एंड लार्ज फार्मर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना कि हमारा एक्चुअली लागत आई कितनी. और खासकर वो वाले किसान जो अपना लेबर देते हैं, अपना श्रम देते हैं अपने खेत के ऊपर, कईयों को तो ये भी नहीं पता कि उनके श्रम का मूल्य है कितना. आज की डेट में तो जो सबसे सरल है वो ये है कि आप दिहाड़ी जो है आपकी मनरेगा की, उसके अगेंस्ट आप कंपेयर कर बिल्कुल लीजिए कि कम से कम इतना तो आना चाहिए. बिल्कुल कौन से मटेरियल या सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, जो जैविक हाट में हम पिछले 16-17 सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं, कि यहां जाके जब बात खत्म हो जाती है बाजार से, कि लागत मूल्य का भी पता नहीं, ये भी नहीं पता कि आगे किस दाम पे जाना चाहिए, ये भी नहीं पता कि जो रुपए, 1 रुपया जो ग्राहक बाजार से कोई सब्जी खरीदने के लिए ले रहा है, उसमें से कितना प्रतिशत किसान के पास जाता है, ये भी नहीं पता. और यही वो सिस्टमिक इश्यूज हैं जो फिर बाजार में बहुत बड़े तरीके से एक मैक्रो लेवल के ऊपर किसानों को परेशान करने लग जाते हैं. तो क्या क्या ऐसा संभव है कि हम ऐसा एक ढांचा बनाएं, क्या ऐसा संभव है कि हम इस तरीके की बाजार की संरचना के बारे में सोच सकें कि ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनका किसी तरीके से समाधान निकले. नाउ समाधान है, नहीं है, क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, वो सारी बातें हैं. इसका क्या समाधान होगा, फाइनल क्या सॉल्यूशन निकलेगा, वहां तक पहुंचे किसी तरीके से, लेकिन वहां तक जाने का क्या रास्ता है. तो जो हमारा काम है ग्राम दिशा ट्रस्ट में, जैविक हाट में, पिछले 16-17 सालों से हम इसी से जूझ रहे हैं और इसी का एक ढांचा बनाने की अपनी छोटी सी एक प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में. तो जैसे आशीष जी ने थोड़ा सा परिचय में दिया था कि जैविक हाट करके एक प्राणी है, दिल्ली में चलता है, उसको 14-15 साल तक वो एक जैसे एक आम आदमी होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, कि कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करते हैं. आप देखें अपने घर के आसपास, देख लीजिए इतनी किराना की दुकान है और वो सारी की सारी एक ही चीज बेचते हैं, एक ही तरीके के चिप्स, एक ही तरीके की कोक पेप्सी, ये सब सब एक ही तरीके का माल बेचते हैं, फिर भी सबका माल चल रहा है. तो न्यूनतम आधार के ऊपर तो कोई भी एक दुकान खोल सकता है, ऐसा हम माने. तो जो जो सरकारी सिस्टम है, जो हमारा फॉर्मल सिस्टम है, तंत्र है, उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस खोलने की, वो प्रोप्राइटरशिप बेसिस पे, आपने देखा होगा गेंदामल एंड सन्स या सो एंड सो एंड ब्रदर्स, ऐसे करके बड़ी सारी दुकानें हैं भारत भर में. मतलब पूरा का पूरा भारत ही छोटे बिजनेसेस का देश है, जिस तरीके से छोटे कारीगरों का देश है, छोटे किसानों का देश है, उसी तरीके से पूरा भारत छोटे बिजनेस का देश है. और बड़े से बड़ा बिजनेस जो उद्योगपति है, टाटा बिरला जो भी हो, वो सारे इन छोटे छोटे बिजनेसेस पे निर्भर है. जैसे अगर कोई चिप्स बिकता है तो वो चिप्स एक छोटे से दुकानदार जो हर गांव के चौराहे पे छोटा सा एक दुकान खोल के चलता है, उनके बलबूते ये सारे बिजनेस चलते हैं, बिरला, टाटा, अंबानी, सब के सब ऐसे ही चलते हैं. तो भारत तो सारा छोटे छोटी स्तर का ही देश है, पर फिर भी हम सब बड़ा बनना चाहते हैं. बड़ी विडंबना है कि हम हर कोई ब्रूनो, आई कैन नॉट फॉलो हिंदी, आई विल ज्वाइन अनदर मीटिंग, आई वॉन्टेड टू हियर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्रूनो. मोस्ट ऑफ इट यू ऑलरेडी नो, वी बीन डिस्कसिंग दिस बिफोर एंड परहैप्स वील कंटिन्यू डिस्कसिंग. आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग टाइम टू कनेक्ट टुडे, थैंक यू सो मच. अगर हम मान लें ये सच्चाई है और यही सच्चाई रही है
चाहे हमारा स्वतंत्रता के पहले हो, इंडिपेंडेंस से पहले हो, इंडिपेंडेंस के बाद हो, आज हो और आने वाले भविष्य के लिए हो, हम रहेंगे छोटे ही, बहुत सारे छोटे रहेंगे, छोटे गांव, छोटे खेत, छोटे खेतिहर, छोटे मजदूर, छोटे कारीगर, छोटे व्यापारी, ठीक। और जो पूरा हमारा जो पूरा सिस्टम है, ग्राहकी का भी जो सिस्टम है, अब खैर बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है, बड़े बड़े ग्राहक बनते चले जा रहे हैं, जो हमारे शहर है उसके अंदर, जो आपके ये ब्लिंकिट ब्लिंकिट सब चले रहे हैं, पूरी तरीके से बढ़ रहा है। तो जो हमारा उपभोक्ता की श्रेणी है वो तेजी से बदल रही है, लेकिन बाकी जो हमारे गांव हैं, प्रांत हैं, कस्बे हैं, वहां पे सब कुछ छोटे ही तरीके से चल रहा है। तो इसी छोटेपन के साथ 16-17 साल पहले हमने सोचा कि एक छोटा सा एक बिजनेस लगाते हैं दिल्ली में, और वहां से शुरुआत हुई जैविक हाट की। उससे पहले मैं आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था, फिर काफी किसानों से मिला, उन सब ने वही समस्या बताई जो आज समस्याएं हैं। 16 साल पहले भी यही समस्याएं थी किसानों की कि बाजार ठीक नहीं है, उत्पादन तो कर लेते हैं, जैविक खेती भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बेचने का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो 16 साल पहले भी प्रॉब्लम थी, वो आज भी प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ जूझते हुए जैविक हाट की शुरुआत हुई, इनिशियली एज प्रोप्राइटरशिप शुरुआत हुई, और 2020 में जितने भी साथी थे हमारे, और हमने एक छोटा सा ट्रस्ट भी बना लिया, ग्राम दिशा ट्रस्ट, ज्यादातर हिमालय का क्षेत्र है, वहीं काम करते हैं। जो पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, हमारे हमारे खेत से ही, जो हमारा वहाँ एक मॉडल फार्म चलता है, वहीं से ऐसा दृश्य नजर आता है। पांगना करके एक घाटी है, ये उसी का दृश्य है बैकग्राउंड में। तो ग्राम दिशा ट्रस्ट भी बन गई, जैविक हाट भी बन गया, और हम ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है इसको अटैक करना शुरू किया हमने अपने तरीके से, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड थी, चाहे वो सोशल एंटरप्राइज से रिलेटेड थी, चाहे वो ट्रेसेबिलिटी से रिलेटेड थी, ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड थी। वो करते करते हम यहाँ पे 16-17 साल बाद अब जाके सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स का एक ढांचा है, वो इसका डिजाइन हमने एक्चुअली 2016 में बनाया था। इसको अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट किया, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज रहे, जैसे कॉमन मैन के पास रहते हैं जो कोई एक दुकान चलाते हैं, साधारण रूप से गली में खोली, नुक्कड़ पे खोली दुकान, मोम एंड पॉप स्टोर कहते हैं। वो 16 साल पहले भी वैसा था, 16 साल बाद भी वैसा ही है। तो इस तरीके का सिस्टम चला, और ये जो शुरुआत में हमने सर्वे किया प्राइस से रिलेटेड, इसी के ऊपर हमने काम करना शुरू किया और अपना पूरा बिजनेस बनाया। अभी 3 हफ्ते पहले हम लोग स्पीति में थे, अपर एरिया है हिमाचल प्रदेश का, तो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और जो हिमाचल सरकार है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है इस दिशा में, ये फूड सिस्टम्स की दिशा में, उनके साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ एक हमारे पास छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं कि ट्रेसेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी कैसे एनेबल करें एक पूरी ज्योग्राफी में, तो उसके ऊपर काम कर रहे हो। छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स करते रहते हैं हम, थोड़ा जोखिम भी उठाते हैं बिजनेस के लेवल पे। जैसे अभी स्पीति से हम लोग वापस आए, तो वहां भारत के आखिरी सेब हार्वेस्ट हो रहे थे, द लास्ट एप्पल्स ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट, आफ्टर दैट देर आर नो मोर एप्पल्स टू हार्वेस्ट एनीवेयर। सो वी गॉट सम एप्पल्स, और उन एप्पल्स के बेसिस पे अब एक प्राइस डिस्कवरी का मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देर आर कॉलीग्स बेस्ड इन बैंगलोर, आप में से कुछ अगर बैंगलोर से जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी वो एप्पल्स सेल होंगे, कुछ दिल्ली में होंगे, कुछ हिमाचल प्रदेश में होंगे, और जगह जगह से हमारे पास डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे। कुछ हम ओके, ट्रेसेबिलिटी का कविता का क्वेश्चन है, ओके, तो उसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। तो अभी जैसे अभी प्राइस के बारे में बात की सर्वे के अंदर, कि भाई हम कैसे डिटरमिन करें, कोई मेथड होगा, कोई एनालिटिक्स होगी, कोई तरकीब होगी, कोई फॉर्मूला होगा, कुछ तो होगा तर्क या आधार। सिर्फ एक परसेप्शन के बेस पे हम हमेशा रेट पे क्यों जाते हैं, क्यों किसान आज की डेट में अपना मूल्य नहीं निर्धारित कर पाते हैं? ये एक बड़ी फंडामेंटल सी प्रॉब्लम है। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सो करंटली वी आर अंडरटेकिंग दैट एक्सरसाइज इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, विच इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश का ना बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है। वी ऑल कीप हियरिंग अबाउट नेचुरल फार्मिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑन अ वेरी साइलेंट बट श्योर एंड सिक्योर बेसिस, इवन द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। सम ऑफ यू मे हैव नोटिस दैट इस साल पहली बार अमंगस्ट एनी स्टेट इन इंडिया, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज प्रोक्योरिंग मेज एंड व्हीट
एट अ प्राइस विच इज बियॉन्ड द एमएसपी विच इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, इट्स अ वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव. द गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोक्योर इट, देन दे विल ग्राइंड इट, दे विल कन्वर्ट इट इनटू फ्लावर, फिर वो आटा बिकेगा अलग अलग पॉइंट से. एंड एक साल के अंदर हो सकता है हमें और इसके बारे में डेटा जनरेट होके आए कि जब एक ऐसी इसको मैं प्रीमियम भी नहीं कहूंगा, इसको मैं प्रेफरेंशियल भी नहीं कहूंगा, जब एक ऐसे डिफरेंट प्राइसिंग मैकेनिज्म पे कोई सरकार जाती है तो उसका क्या नतीजा निकल के आता है. ठीक, ये आएगा अभी आने वाले टाइम में, सारी चीजें सामने आएंगी. तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक बिजनेस है, जैसा दिल्ली में मैं बता रहा था, ये यही सारी चीजें हम उसी बिजनेस के थ्रू भी हम सेटल करने की कोशिश करते हैं. अब कविता का एक प्रश्न था कि पारदर्शिता तो चलो एक बात है, लेकिन जो ट्रेसेबिलिटी है वो कैसे अचीव होगी. अब देखिए, हम अपने चर्चाओं में कभी कभार ऐसी मजे मजे की बातें रखते हैं. हर कोई जानता है कि उनका डॉक्टर कौन है, कि भाई बीमार हो तो इस डॉक्टर के पास जाना है, इस अस्पताल के पास जाना है. हर कोई जानता है उनका वकील कौन है. हर कोई ये भी जानता है मेरा दुकानदार कौन है. तो भगवान ना करे आपको डॉक्टर और वकील के पास जाना पड़े, बट ये सब आपको पता होता है. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जब से आप पैदा हो रहे हो और जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको भोजन देंगे, उनके नाम किसी को नहीं पता. कोई नहीं जानता वो किसान कौन है. आज की डेट में मंडी से कोई भिंडी ले रहा है तो पता ही नहीं है कि किस किसान के यहाँ से आ रही है. ये भी नहीं पता कि जो हम पैसा दे रहे हैं उसमें से कितना किसान के पास जाएगा, कौन है वो किसान, है परिवार है, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा, कौन है, कौन पता ही नहीं है. तो ये भी एक मूलभूत एक समस्या है. दिस इज अ चैलेंज ऑफ ट्रेसेबिलिटी. सो दिस इज समथिंग वी वर वर्किंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 16 years ऑलमोस्ट. वेन एवर वी यूज टू सप्लाई वेजिटेबल्स इन डेली ऑन अ पर्सनल बेसिस, वी यूज टू ट्राई एंड कम्युनिकेट दिस टू द कंज्यूमर कि भाई ये किसान है, आप चाहें तो इनको विजिट भी कर सकते हैं, आप हिमाचल जाना चाहें, दिल्ली जाना चाहें, हरियाणा, जहां से भी वेजिटेबल्स आना चाहें, इफ यू वॉन्ट टू गो यू कैन गो देम. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल. फिर कुछ व्हेन विल द टॉपिक विल स्टार्ट, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द वेबिनार टॉपिक. सो मोगिली विजेंद्र, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग एंड लर्निंग अबाउट ऑर्गेनिक मार्केट्स, द एस्पेक्ट्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दीज आर मार्केटिंग रिलेटेड एस्पेक्ट्स, दे आर नॉट डिसजॉइंट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मार्केट्स, वी टॉक अबाउट इट एज अ कंप्लीट सिस्टम. We don't talk about it just in one variable. Ki no, we will talk about how to reach the final consumer, how much we will spend on advertising. No, we don't talk about it in just these silos. हम हर एक चीज इकट्ठा लेके बात करते हैं, एक एक चीज, प्राइस का कैसे होगा, ट्रेसेबिलिटी कैसे होगी, ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, वो सारी चीजें जो आज का बाजार नहीं दे पा, किसी भी तरीके से नहीं दे पा. तो हम इसको छोटे तरीके से अपने स्तर पर कैसे कर सकते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. आई होप दैट क्लैरिफाइज. तो देन हम इसके ऊपर काम करने लगे पिछले 16 साल में. अभी शुरुआत में तो सर्टिफिकेशन एक मैकेनिज्म होता था, प्रमाणीकरण जिसको कहते हैं. ओके, थैंक्स मोगिली. सो जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है, सॉरी कविता, यू आर अबाउट टू से समथिंग. व्हाट माइट हेल्प इज इफ यू स्टिक टू वन लैंग्वेज व्हिच इज हिंदी, आई और आशीष विल कीप ट्रांसलेटिंग इन द चैट बॉक्स. Okay. For all the non-Hindi speakers, just look at the chat box, please. We will type out there whatever Ashish is saying. Ashish Panda, you're game for it, right? Yeah. Okay. So Ashish ji, most of them will understand Hindi. Baki ke liye hum yahan type karte jayenge. Theek hai, chaliye. And ignore the chat box for now, Ashish. Just look at it because we'll keep translating what you're saying in Hindi. Stick to Hindi. ठीक है. तो आप में से किसी के कोई सवाल हैं, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मे बी यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स एंड देन वी विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज वी कैन. बट वापस आ जाते हैं इस चर्चा के ऊपर. तो ये जो पूरा जो ये श्रृंखला है, बाजार, पूरा का पूरा बाजार, इसको हम कैसे, किस तरीके से इस दानव के साथ लड़ सकते हैं या फिर इसके साथ जूझ सकते हैं, यही हमारा काम रहा. तो जैसे ट्रेसेबिलिटी की बात चाहिए कि कैसे पता चले कि ग्राहकों की किसान कौन है, और अगर कोई तरीका है जिससे जो किसान है वो ग्राहक तक पहुंचना चाहे तो कोई एक माध्यम बन सके. तो हमने छोटी छोटी पहल की हैं. दिल्ली ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट करके एक वो चलाया हमने 6-7 साल, वहां पे डायरेक्टली किसानों को जोड़ने की कोशिश की. हर रविवार को हम वहां होते थे.
चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो रही हो, चाहे ग्राहक आए चाहे ना आए, हर रविवार को हम वहां होते थे। फिर जो सर्टिफिकेशन का मैकेनिज्म है, पहले थर्ड पार्टी होता था, फिर पीजीएस आया, तो पीजीएस में जुड़े, पहले एनजीओ चलाती थी पीजीएस, उसके माध्यम से कुछ किसानों की सर्टिफिकेशन कराई, वो सर्टिफिकेट लेके बाजार में जाना, ग्राहकों को दिखाना, फिर गवर्नमेंट ने पीजीएस शुरू किया, फिर वहां पे हम रीजनल काउंसिल बने, वहां हमने बहुत सारे स्टेट्स में जाके मुफ्त में सर्टिफिकेशन कराया। कुछ हमारे साथी भी हैं यहाँ पे आज जुड़े हुए जो इस मुहिम में हमारे साथ लगे हुए थे। तो लगभग 3,000 किसानों का पीजीएस के माध्यम से भी कराया, अलग अलग साथियों के साथ मिलके। हेलो, हाँ, तो वो कराया। फिर और कुछ घटनाएं घटी, फिर नई नई तकनीकें आने लगी, नए नए मौके आए कि हम कुछ नया नया कर सके। तो फिर हिमाचल सरकार ने एक बड़ा ही एक इनोवेटिव स्टेप लिया, उन्होंने बोला कि हमें भी एक प्राकृतिक किसानों के लिए एक सिस्टम बनाना है। जो थर्ड पार्टी सिस्टम या पीजीएस सिस्टम में समस्याएं थी उस समय की, उनको कैसे हम कैसे, या तो हम जूझे उनके साथ, उन्हीं के साथ सर मारते रहे और इंतजार करते रहे कभी तो वो ठीक होंगी, या फिर एक नया सिस्टम बनाने का हम एक बेड़ा उठाएं और कुछ एक नया सिस्टम बनाए। तो वहां पे भी एक मौका आया, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सितारा करके एक सिस्टम बनाया, सर्टिफाइड इवेल्यूएशन टूल फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्स एनालिसिस। मैं फटाफट आपको इसकी स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। इसका ऑनलाइन टूल है, ऐप भी है, एक टूल भी है, यहाँ जाके किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और एक निशुल्क सर्टिफिकेट मिल जाता है बड़ी आसानी से। और अगर कभी कभार दिक्कतें भी आती, टेक्निक ओटीपी नहीं आया, कुछ नहीं आया, बट ठीक है, वट एवर दोज प्रॉब्लम्स आर, उन प्रॉब्लम्स को जूझते हुए हम फिर एक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के थ्रू जाके एक निशुल्क सर्टिफिकेशन दे देते हैं। करेंटली इट इज द चीपेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में ऐसा इतना सस्ता और टिकाऊ सिस्टम है ही नहीं जो हिमाचल से। हेलो, कैन यू हियर मी? या वी कैन हियर यू आशीष। ओके, आई थिंक कैमरा हैज ग्लिच्ड, बट इट्स फाइन। ओके, इट्स बैक। सो एज पार्ट ऑफ दैट सितारा सिस्टम, अब ऑलमोस्ट 1.5 लाख किसान जुड़ चुके हैं, चल रहा है वो सिस्टम, बाजार में चल रहा है। तो एक इनोवेशन बनाई, उसको ही अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी फोटोग्राफ दिखा देता हूँ इसका एक उदाहरण के रूप पे। जस्ट अ मोमेंट। तो आशीष जी, ये जो लिंक है सितारा वाला, मैंने अभी डाला है, यही है? हाँ चैट तो खुला नहीं है, मैं एक बार फटाफट चैट खोल के देख लेता हूँ। यही है, यही spnfsp.in, सही यही है, है। जी। यही है। ठीक है जी, तो मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा देता हूँ। ये अभी पिछले हफ्ते की ही फोटोग्राफ है। इसी इसी यही फोटोग्राफ ये दर्शाएगा कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये एप्पल का एक बॉक्स है, जो अभी 2 हफ्ते पहले हम स्पीते थे ताबो में, वहां पे एक केवीके है जो यूनिवर्सिटी के साथ है। सो वी आर वेरी हैप्पी टू से कि ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च चल रही है, केवीके भी इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी भी इन्वॉल्व है, सोशल एंटरप्राइजेस भी इन्वॉल्व है, कंज्यूमर्स, फार्मर्स, सब कुछ इन्वॉल्व है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, ये सितारा का क्यूआर कोड है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो एक फार्म की डिटेल्स खुलेंगी, जो कि केवीके का फार्म है। उसको हमने 2-स्टार रेटेड सितारा सर्टिफिकेशन कराया, बिकॉज वो अभी भी पूरी तरीके से 3 स्टार पे नहीं, यानी वो सारे इनपुट्स ठीक से अपने बना नहीं पा रहे, बिकॉज वो एक ड्राई टेम्परेट कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बायोमास बहुत नहीं है, तो उनको अभी भी बायोमास बाहर से लेना पड़ रहा है, कॉम्पोस्ट वगैरह या कुछ स्प्रेज हैं, जीवामृत वगैरह, अग्निअस्त्र, वो अभी खुद से बना नहीं पा रहे, तो वो 2 स्टार पे हैं। और इसमें यूनिवर्सिटी शामिल है और बैंगलोर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राम दिशा ट्रस्ट शामिल है। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्रेसेबिलिटी है इसका एक सिस्टम लेके, यस डॉक्टर वसीम, आई ट्राई टू ब्रीफली कवर अबाउट इट एज मच एज आई कैन। वी आर टेकिंग दिस, ये जो ट्रेसेबिलिटी का आइडिया है ये, फिर जो ट्रांसपेरेंसी बनानी है, फिर ट्रू कॉस्ट और ट्रू प्राइस अकाउंटिंग का जो है, जो सच्चा दाम है, जो सच्चा खर्च है, जो सच्चा दाम है, इसके कुछ मॉडल्स डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं छोटे स्तर पे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये बड़े भी बन सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी फिलहाल, ये जो सेब का एग्जाम्पल लिया हमने, एक जगह से सेब लेके आए,
उसकी पूरी पारदर्शिता रखी, उसकी ट्रेसेबिलिटी रखी कि भाई किसान कौन है, कंज्यूमर के पास ये जानकारी जाए, वो किस तरीके की खेती कर रहे हैं, ये सारा का सारा एक श्रृंखला बाजार के रूप में, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बैंगलोर में हो, चाहे हिमाचल में हो, इसका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं बेच के, एक्चुअली बेच के, कि कितने दाम पे बिका। और फिर वो जो हमारे मॉडल्स है प्राइस डिटर्मिनेशन के, उसके जरिए देखेंगे कि ये प्राइस ठीक बैठ रहा है कि नहीं। और इसमें हम तीन कंपोनेंट्स डाल रहे हैं, इकोनॉमिक तो डाल ही रहे हैं कि जो वाणिज्य रूप से बिका उसका क्या दाम आया, एक इकोलॉजिकल कंपोनेंट डाल रहे हैं और एक सोशल कंपोनेंट डाल रहे हैं इस मेथोडोलॉजी में। और उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे कि एक रेंज बनेगी, जैसे मान के चलिए कोई किसान है, वो अगर बाजार में अपने टमाटर बेचने जाता है तो ग्रेड के हिसाब से जो अड़ती हैं या व्यापारी हैं वो उसको कुछ ऑप्शन देते हैं कि आपका ये ए ग्रेड है, ये हम 30 रुपए क्विंटल में लेंगे या 35 रुपए क्विंटल में लेंगे, और जो आपका बी ग्रेड है वो 25 रुपए क्विंटल में लेंगे। तो 25 to 35 का एक रेंज बनता है, एक बैंड बनता है, और उस बैंड के अंदर यूजुअली फार्मर्स नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, व्यापारी कोशिश करते हैं कि कम से कम मिले। तो ये जो एक तरीके से शतरंज चलती है, चेस चलती है व्यापारी और किसान के बीच में, इसके अंदर से कहीं से एक रेट उभर के आता है, और वो रेट चाहे सच्चा हो ना हो, वो बाजार का रेट है, वही किसान को मानना पड़ता है और घर वापस उसी पैसे के साथ जाना पड़ता है। हम जो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर हम एक ट्रू कॉस्ट का रेंज निकाल रहे हैं, जिसके अंदर ये तीनों चीजें होंगी, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनके कुछ एक मेथोडोलॉजी के बेस पे कॉन्स्टेंट्स वगैरह तय करके फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं कि एक किसान, और ये मैं किसी जिले की बात नहीं कर रहा जैसे एमएसपी काम कर रहा है, एक किसान जिसकी कोई जीपीएस लोकेशन है कहीं पे, जैसे हमारा खेत है आपको पीछे नजर आ रहा है, इस जीपीएस लोकेशन से जो मेरी पास का बाजार है जहां पे मैं अपना माल बेचने जाना चाहता हूँ उसका जितना डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हुए, और फिर इसके अंदर इकोलॉजिकल और सोशल पैरामीटर डाल के जो एक्चुअल प्राइस बैंड होना चाहिए ए और बी के बीच में वो जनरेट हो जाए, और उसके बाद ये किसान के पास चला जाए कि अगर आप इस बाजार में आएंगे तो आपका जो मूल्य होगा किसी एक ग्रेड का इतने से इतने के बीच में मिलेगा, अगर आप तैयार हैं तो आ जाए, एक वो बात। फिर उसके बाद जब एक्चुअल बिकवाली होती है तो जो जिस भी रेट पे किसान को पैसा मिला वास्तविक रूप में, अगर वो इस बैंड के अंदर है तो ठीक है ए और बी के बीच में, या अगर बी से ज्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ए से कम है तो कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ जो है उसका कोई एक तर्क लेके, उसका कोई एक मूलभूत आधार लेके हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो सस्टेनेबिलिटी के तीनों पैरामीटर है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, इस पे जो खरे उतरे हुए किसान है, चाहे वो 3 सितारा किसान हो, 2 सितारा किसान हो, या कोई भी ऐसे किसान हो जिन्होंने बहुत मेहनत की है, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से पूरा जोर लगा के बिना रसायनों के उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं, तो क्या उनको पूरा समाज समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब समाज क्या है, एक तरीके से बाजार किसान के लिए समाज का एक हिस्सा है कि वहां से बाजार और किसान के बीच में बात होती है, कोई फैसला होता है, तो अगर बाजार इन किसानों का समर्थन नहीं कर सकता, रेट ही नहीं दे सकता उसको, तब जाके फिर सरकार या कोई संस्था या कोई एजेंसी आए, कोई एफपीसी आए, और वो फिर जो इनका डिफरेंस है यानी रेंज में जो ए था इसका और जो एक्चुअल जो किसान ने प्राइस रियलाइज किया इसका डिफरेंस पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस या किसी एक सपोर्ट के आधार पे इन किसानों को दे सके। अब मजे की बात है ये सिस्टम चलता है तब जब बाजार नहीं चलता। आज की डेट में सब्सिडी का जो पूरा सिस्टम है सरकार का वो हमेशा चलाना पड़ता है, तो उसमें बहुत जबरदस्त खर्च आता है, एक तंत्र लगाना पड़ता, बड़ी मुश्किल एक्सचेकर को खर्चा उठाना पड़ता है, टैक्स से पैसा जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे सब्सिडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, चाहे किसानों तक पहुंच करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने जो इनोवेशन सोचा है उसमें हम कह रहे हैं पहले हम बाजार को मौका देंगे चलने का, अगर बाजार नहीं चला तब जाके ये समर्थन देने की कुछ एक बात आएगी, तो इससे हर चीज का खर्च भी गिरता है, चाहे सरकार का, चाहे एफपीसी का या किसी का भी। अब ये बाद में बात की जा सकती है कि इस पैसे की भरपाई कौन करेगा। देखिए एक तर्क है, तर्क ये है, मान के चलिए जो भी किसान कर रहे हैं जो इकोलॉजिकल और सोशल पैरामीटर्स में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, अतिरिक्त काम कर रहे हैं, उसका फायदा समाज उठा रहा है, पूरा समाज, साफ पानी का फायदा समाज उठाता है, साफ हवा का फायदा समाज उठाता है,
लेकिन इसके बदले में किसान को तो कुछ नहीं देता समाज, तो अब समाज कैसे दे, उसका ढांचा कैसे बन सके, हाउ कैन एन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बी क्रिएटेड सच दैट ऑल दीज थिंग्स आर वैल्यूड एंड इट कैन बी रिटर्न बैक टू द फार्मर. सो दिस इज द प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो टू बी ऑनेस्ट वी आर डूइंग दिस थ्रू द मैटर ऑफ द मार्केट. हम जैविक खाद ग्राम दिशा के माध्यम से ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आलू या भिंडी बेचने तक की बात नहीं है, और उस आलू और भिंडी को बेच के किसान को पैसा देने तक की बात नहीं है, ये उससे भी आगे चल के बात है. ये एक ढांचा क्रिएट करने की बात है, एक सिस्टम क्रिएट करने की बात है जो एक चलता सिस्टम हो, और ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है इसके अंदर हम एक्चुअल जो डेटा है बाजार का वो लेना चाहते हैं, ऐसा एक थियोरेटिकल बेसिस नहीं क्रिएट करना चाहते. तो जैविक खाद के माध्यम से अब हम ये छोटी छोटी पहल कर रहे हैं 16 साल में, ऊपर और नीचे बाजार देखते हुए. और दिल्ली का जो मार्केट है ना, इसको हम क्रूअल मार्केट कहते हैं, बड़ा एक घातक किस्म का मार्केट है. मजाक मजाक के तरीके से कहूँ तो हमारे ऊपर दिल्ली में होने के कारण शनि की दृष्टि पड़ती रहती है, शनि महाराज, मतलब कभी सरकार शनि बन जाता है, कभी बाजार या ग्राहक शनि बन जाते हैं, और वो शनि की तरह देखते रहते हैं हम लोगों को. और कभी कभार हमारे ना मतलब वो कर्म कटने लग जाते हैं इस चक्कर के अंदर कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ, करने तो कुछ और निकले थे फंस कहीं और गए, वैसी वाली बातें होती रहती हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे बोलूं, अभी जो स्पीति में हमने सेब लिए वो किसी किसी कारण से हमें एक ठेकेदार से लेने पड़े, वो ठेकेदार अभी तक लेके ही नहीं आया. 10 दिन होने वाले सेब को तोड़े हुए, वो अभी भी कहीं ट्रक में फंसा हुआ है, वो आया ही नहीं है. तो हम सोच रहे अपना सर खुजला रहे हैं यार, काम तो प्राइसिंग का करना था और यहाँ सप्लाई चेन में फंस गए, अब कैसे करें. मतलब ये सब जूझते हुए हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक मेरे पास बहुत टाइम तो नहीं है और मैं बोल भी काफी गया, आप थोड़ा सा बताएं कब रुकना है, ये तो ट्रेन रुकेगी नहीं, नहीं तो. जी अभी सवाल कुछ ले सकते हैं, कुछ कुछ सवाल आए हैं इधर, यू वांट टू टेक देम? हाँ, चैट पे देखूं या आप कुछ बोलेंगे कैसे हाँ करना. मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो एक तो सितारा के बारे में सवाल था कि सितारा इज ओनली फॉर हिमाचल प्रदेश फार्मर्स या फिर दूसरे राज्य से भी जुड़ सकते हैं? देखिए सितारा ना इज जस्ट अ सिस्टम, ठीक है जी, वो सिर्फ एक सिस्टम है और एक बहुत इनोवेटिव सिस्टम है. वो भारत में करंटली कोई भी एक ऐसी रोक नहीं है कि किसान अपने लेबल लगा के बाजार में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, वो बेच सकते हैं. वो लेबल बताता क्या है ये इस पे निर्भर करता है. आज की डेट में 7 FPCs हैं हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती की, जो एस्टैब्लिश की गई वहां की गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ. गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्रमोट किया है, और जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी दैट इज फंक्शनिंग एज अ पॉपी, नाबार्ड भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, बड़ा एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश में. और काफी ऐसे FPCs हैं वो एक्चुअली ये लेबल्स लगा के भारत में दूसरे स्टेट्स में भी अपने एप्पल्स बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, शुरू हो गया है ये काम, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिमाचल के लिए ही है. आप सेब खाते हैं, हिमाचल में उगता है सेब, तो सिर्फ हिमाचल में थोड़ा ना बिकता हो, तो पूरे भारत में बिकता है. और हम जिस इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि हम दूर के ग्राहक को भी बताना चाहते हैं कि सेब आया कहाँ से, तो अभी जो बैंगलोर में ये बॉक्सेस जा रहे हैं मागासूल के पास, उनके ऊपर ये QR कोड लगा होगा, और अगर ग्राहक चाहे वहां पे तो डब्बे से स्कैन करके पता कर सकता है कि कहाँ से आए. नहीं, ग्राहक समझ, देश भर में आशीष है मगर जी प्रोड्यूसर्स पलाश जी हिमाचल एक में मिनट ही कविता जी बेचा. से लेते फिर आपके पास आते हैं. प्रश्न ये था कि ग्राहक देश भर में हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स इस सितारा सिस्टम में केवल हिमाचल के ही है क्या? हाँ, तो करंटली ये सिस्टम जो है ये हिमाचल सरकार ने लागू किया है, ये सच बात है, किसी ना किसी को तो पहल करनी है. वो मजे की बात है कि दिस सिस्टम इज अवेलेबल, मतलब इसका जो मेथोडोलॉजी है, इसका जो एल्गोरिथम है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट बेसिस पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. आप अगर चाहें तो आपकी सरकार भी इंप्लीमेंट कर सकती है इसको, कोई रोक तो है नहीं. यहाँ तक कि कुछ एक अपॉर्चुनिटी आई थी तो नीति आयोग में भी हमने इसका एक ढांचा बना के दिया है कि अगर भारत में और स्टेट्स करना चाहते हैं तो क्या तरकीब हो सकती है. अब वो अपने टाइम से होगा, जब होना है सिस्टम हिमाचल में ही चल सकता है, एक इनोवेटिव सिस्टम है. बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल सरकार ने ये इनोवेशन का कदम लिया और यहाँ तक पहुंचे, 1.5 लाख किसानों का एक आउटरीच क्रिएट किया है, इसी के माध्यम से गेहूं और मक्की का भी एक खरीद की एक श्रृंखला आई है, तो ये तो काबिले तारीफ है. चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे, अभी तो मतलब पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं और हम पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ चढ़ना बड़ी बात नहीं है, तो हम चढ़ जाएंगे ये पहाड़ तो. लेकिन ये है कि हमने मेजर थिंग इज कि वी आर स्टार्टेड वॉकिंग टू क्लाइंब दीज माउंटेन्स एंड फिर आने जी वाले आज सालों में कुछ निकल के आएगा. हाँ जी आशीष. जी नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। एक तो फॉर ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग ऑन द ग्राउंड, जो छोटे संस्थाएं हैं अलग अलग कोशिश कर रहे हैं जैविक और इसके ऊपर,
उनके लिए क्या सजेशंस है? व्हाट आर योर लाइक हाउ कैन इमीडिएटली गेट स्टार्टेड ऑन मार्केटिंग? देखिए, न्यूनतम लेवल पे शुरू कीजिए. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द स्मॉल. छोटा काम करने से मत शर्माइए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. आप छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, आप कहीं पे एक छोटा सा कहीं पे एक वो क्या कहते हैं आउटलेट लगाते हैं सड़क के किनारे, किसानों को ग्राहकों से कनेक्ट कराने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है. पूरा का पूरा भारत ही छोटे व्यापारियों का देश है. हर कोई बैठता है, आप देखिए ना, हर बस स्टैंड के पास छोटे छोटे व्यापारी अपने ठेले लगा के फल सब्जियां बेचते रहते हैं. करोड़ों लोग हैं भारत में, उस श्रृंखला में अगर आप शामिल होगे तो क्या हर्ज है? ये जो बड़े की कल्पना है ना, ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा. हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे छोटे व्यापारी हैं. आप अगर ये इस सोच के साथ जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है. अगर आप ये बोले नहीं मेरे को पहले ही बड़ा बन जाना है, करोड़ों करोड़ों का धंधा करना है, फिर करते रहो, जूझते रहो, जो है बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा. और जब तक ये सिस्टम एक छोटे व्यापारी के लिए, एक छोटे किसान के लिए, एक छोटे कारीगर के लिए नहीं काम कर सकता, ये सिस्टम है ही नहीं, ये है ही नहीं कोई सिस्टम. तो ये मूलभूत आधार के साथ आप शुरू कर लीजिए. हमने एक असूल बांधा था जैविक हाट में 16 साल पहले, वो आज भी कायम है. अगर कोई मदद के लिए जैविक हाट में आता है तो उसको कभी नहीं मना करते हम. उसके साथ जिसके साथ काम कर रहे हैं उनको रोक देंगे, लेकिन अगर पहली बार कोई आएगा कि भाई मेरे को बाजार में जुड़ने के लिए मदद कर दीजिए, उनको हमेशा कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी. और हम कोशिश ही करते हैं कि छोटे रूप से ही काम चले, धीरे धीमी गति से चले, छोटे रूप से करे. वही कोई सेइंग है ना कि आपको लंबा जाना है तो अकेले चलिए, धीरे धीरे चलिए, ऐसा करके एक कोई सेइंग है, उसी पे चलते हैं हम. और धीरे धीरे करके सिस्टम बनना होगा, बन जाएगा, इसमें क्या बात है. तो आप कहीं पे भी हो भारत में, आप एक छोटे रूप से शुरू कीजिए. और यदि आपको शुरू करने में दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत, हम लोग ये सारा जूझ के एक लेवल तक पहुंचे, हम जानकारी दे देंगे, आइडियाज दे देंगे. इसी वेबिनार या इसी माध्यम से आपको कुछ ना कुछ शुरुआत का एक तरीका मिल जाएगा. और शुरू कर दीजिए, रुकिए मत किसी के लिए, और छोटे काम से शुरू कीजिए. अच्छा काम कीजिए, छोटा काम कीजिए, चाहे आप 10 किसानों को जोड़ दें बाजार से, ये भी बहुत बड़ी बात है. जी, एक पलाश जी का सवाल है। पलाश जी, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन हियर डायरेक्टली? हाँ, यस। एक्चुअली आई गॉट अ पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस था उसका आंसर मुझे मिला, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जैसे सीतारा है वैसा सब स्टेट में तो वैसा है नहीं। जैसे झारखंड में हम लोग सेंटर फॉर वर्ल्ड सॉलिडेरिटी अभी कुछ एक इंडिजिनस वैरायटी ऑफ राइस पर काम कर रहे हैं, तो उस राइस को और वो राइस बाय डिफॉल्ट वो जैविक ही होता है, उसमें केमिकल लगते नहीं है। तो हम लोग उसको कैसे करें, या सीटारा के साथ किस तरह से हम लोग ब्रांडिंग करें, या ब्रांडिंग का किस तरह से काम करें, उस सीटारा ब्रांडिंग करने में मदद कर सकता है कि नहीं, इस तरह का बात मैं सोच रहा था। लेकिन वो पहले ही कह दिए कि ये हिमाचल प्रदेश पे है और उससे आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग सोचते हैं, इनके साथ मिलेंगे जरूर, बात करेंगे, बात करके आगे कैसे करेंगे उसको, उस पर विषय, उस विषय पे बात करेंगे। ठीक है, तो पलाश जी, जब ये पूरा पीजीएस वगैरह जो भी ये प्रमाणीकरण का प्रक्रिया शुरू हुआ था ना, ये हस्तलिखित था, हैंड रिटन था सारा का सारा. ये टेक्नोलॉजी, क्यूआर कोड, ये तो सब अभी आए. मैं तो ये कहता देखिए, हूँ, ट्रेसेबिलिटी में मैं ट्रेसेबिलिटी का बात करूं तो ट्रेसेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट इश्यू है, खर्च भी है और इसमें बहुत सारे पैसे भी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। शायद हमारे जैसे एनजीओस को उतने पैसे नहीं मिलते हैं, पैसा मोबिलाइज करने में भी दिक्कत होता है। अदरवाइज हम लोगों ने सोचा था कि ट्रेसेबिलिटी के लिए एटलीस्ट कहाँ से, किस जगह से हो रहा है, क्यूआर कोड देने में खर्च है, काफी खर्च है। और हम लोगों ने इनिशियली सोचा था कि ट्रेसेबिलिटी के लिए कहाँ से ये आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, एटलीस्ट वो हम लोग पैकेजिंग में लिखे। एनीवे, हम लोग फिर भी बहुत कुछ दिमाग में है, बहुत कुछ प्लान किए हैं, बहुत कुछ आने वाले हैं। मैं आपसे बात करूंगा एक बार वन-टू-वन और समझूंगा सारे चीज को। थैंक यू जी ठीक है जी, नॉट अ प्रॉब्लम. जी बट गुप्ता द जी, वेरी एक फैक्ट कि आपने सवाल। पैकेट पे लिखना शुरू कर दिया है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. हाँ, पैकेट में जी मैंने लिखा है द इट्स ए पार्ट फ्रॉम कोल्हन टू कोल्हन का है। कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन ट्रेसेबिलिटी, क्यूआर कोड और वो सब में काफी मैंने बात किया था लोगों से, तो उसमें इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक शायद फार्मर भी नहीं है और हम लोग भी नहीं है। चलिए ठीक है, कभी मौका लगे तो आपको एक सस्ता सा तरीका बता देंगे अभी काम चलाने के लिए, कि आपके जनरेट हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, और सिर्फ लेबल का प्रिंट का खर्चा है वो बता देंगे.
फिर जब आपका मार्केट से रिटर्न आने लग जाए और आपके पास एक कोर्स आ जाए तब आप कर लीजिए। हम जैविक आर्ट में यही करते आए हैं, हमने बाहर से आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ली, यहाँ तक कि बिना उधार के काम कर रहे हैं हम लोग, और जितना पैसा हम जनरेट कर पाए उसी को बिजनेस में लगा लगा के यहाँ तक पहुंच पाए। पर ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। मैं दोहरा देता हूँ, टेक्नोलॉजी अपने आप में सोल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा खर्च है, वो भी बहुत बड़ा दानव है, तो उसको कैसे आप वहां तक पहुंच सकते हैं उसकी तरकीबें हैं, वो फिर अलग से बात कर लेंगे कभी सितारा पे बात होगी तो। जी, ये एक संगीता जी का सवाल है, हाउ डज द सर्टिफिकेशन सिस्टम वर्क एंड हु इज डूइंग द वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग? ओके, सो सी द थिंग इज द सर्टिफिकेशन इज अ मैकेनिज्म टू गेट टू वन प्लेस, सर्टिफिकेशन इज नॉट एन आंसर इन इटसेल्फ। सो इफ यू वर टू थिंक ऑफ सर्टिफिकेशन एज अ सिस्टम, वी जस्ट से दिस मच दैट एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन हेल्प्स यू टू गेट टू अ प्लेस, एंड इन हिमाचल द प्लेस वे वी वॉन्ट टू गेट टू इज दैट द एंटायर स्टेट ऑफ हिमाचल बिकम्स अ केमिकल फ्री ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग स्टेट। सो द वे वी आर लुकिंग एट इट इज सर्टिफिकेशन कुड बी यूज एज अ ट्रैजेक्टरी टू गेट देयर, द वन सोल्यूशन विल वर्क फॉर। हाँ दैट्स फाइन, या सो शिशिर जी विल टेक योर पॉइंट। सो द थिंग अबाउट सर्टिफिकेशन इज टू अंडरस्टैंड इट्स वेरी बेसिक पर्पस, वाई डू वी नीड, एंड वेदर इट इज नीडेड फॉर ऑल टाइम इन द फ्यूचर, और विल इट हेल्प अस टू गेट टू वन पॉइंट। नाउ टू कमिंग टू योर स्पेसिफिक पॉइंट रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन इज दैट देर कुड बी मेनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन टेक्निक्स, देर कुड बी मेनी वेज बाई विच दिस सर्टिफिकेशन कुड बी मैनिफेस्टेड एंड एनेबल्ड इन अ सिस्टम, एंड वन टाइप ऑफ सिस्टम केम फ्रॉम चैलेंजेस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, द थर्ड पार्टी सिस्टम ब्रॉट टू पीजीएस, देन प्रॉब्लम्स ऑफ पीजीएस एंड थर्ड पार्टी ब्रॉट टू सिस्टम्स लाइक सितारा, देर कुड बी मेनी चैलेंजेस विद सितारा विच कुड देन टेक टू अदर सिस्टम्स। सो आइडिया ये है कि वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट टू अचीव विद सर्टिफिकेशन, जस्ट बी क्लियर अबाउट इट, एंड इन केस द एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम डू नॉट हेल्प यू, देन नथिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग योर ओन प्राइवेट सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन सिस्टम एंड ट्राइंग टू एनेबल इट इन द मार्केट। आशीष सॉरी, या लेट मी अटेम्प्ट व्हाट संगीता जी इज आस्किंग इज, इन द सितारा सिस्टम अ फार्मर इज एनेबल टू रजिस्टर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, एंड देर आर मल्टीपल स्टार रेटिंग सिस्टम्स, आई एंड सी वेरिफिकेशन हैपेंस बाय यू नो डिपार्टमेंट फंक्शनरीज और यूनिवर्सिटी पीपल और ओके केवीकेस, करेक्ट? शी वॉन्ट्स टू नो हुज what is the on-ground verification system? ओके सो स्पेसिफिक टू हिमाचल प्रदेश इट्स अ पार्टिसिपेटरी सिस्टम अगेन वेयर द एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व, द आत्मा इज वेरी इनोवेटिवली इन्वॉल्व, परहैप्स इट्स द ओनली एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर the Atma system is functioning to enable Sitara throughout the state across every district and block. There are three levels of check in Sitara. One is peer farmers. So each farmer which does application for Sitara, they have to declare who their peer farmers are. Then the peer farmers, they vouch for this farmer, whether they are using chemicals, not using, whether they are actually doing natural farming or whether they are doing what is called organic farming in the terms of difference between organic and natural farming. And after this approval cycle has gone, then this application goes for validation to the Atma official, the ATM and BTM, who are the local officials at the block level or the village level. Then they verify, they validate it saying ki, well, we hope Sitara is being given to a real person and not to Hanumanji or a with the someone with a photo of a animal or something. And once that is validated, then after this the system generates the QR code, the certification and star rating. Now this enters the public domain. Okay, now in the public domain it functions because on the maybe I can, if you have time I can quickly show you. Should I show Yes, we you? have about 5-10 minutes, 10 minutes. मैं फटाफट एक दिखा हाँ, देता हूँ दिखा आपको, दे दी. हाँ जी, हाँ जी. तो जैसे शेयर स्क्रीन, तो देखिए ये जो सितारा का सिस्टम है, एक सेकेंड मैं इसमें हाइड कर देता हूँ, पैनल हाइड वीडियो पैनल हाइड फ्लोटिंग, तो इसमें ये उच्च रेटिंग कृषक करके एक टैब आता है, इसमें आपको ये सारे जो फार्मर्स हैं स्टेट के, यू कैन गो बाय डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक एंड सर्च द फार्मर, आई ट्राई एंड डिग आउट माई सितारा फ्रॉम हेयर, टेक्स अ लिटल टाइम टू लोड। इस
साइट के ऊपर द डिटेल्स ऑफ द फार्मर इज लिस्टेड. ओके सो ओप्स लेट मी सी, इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम टू लोड. एंड इफ आई क्लिक ऑन वन ऑफ दीज देन नीचे एक बटन आता है टू रिपोर्ट, टू रिपोर्ट एन इश्यू, टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, टू रिपोर्ट समथिंग. ओके वो एक नीचे एक बटन आता है एंड द पर्पस ऑफ द बटन इज दैट इन केस. ओ बाय द वे गुड न्यूज, टुडे 1,50,000 फार्मर्स आर पार्ट ऑफ सितारा. यू कैन सी दिस नंबर, 1,50,027 फार्मर्स आर पार्ट ऑफ सितारा नाउ. सो लेट अस से आई गो टू मंडी डिस्ट्रिक्ट, देन आई गो टू माई ब्लॉक वेयर, जहाँ पे हमारा ये वाला फार्म है बैकग्राउंड में. ठीक, गो टू चुराग. ओके देन वी गो टू द पंचायत कलाशन. ओके सो यू कैन सी हियर, दिस इज लेट्स से दिस इज मेरा सितारा का आउटपुट है. सो जैसे हम टू स्टार फार्मर हैं, ठीक, ये आ गया, ये क्यूआर कोड आ गया, सारी डिटेल्स आ गई कि फार्मर किस किस तरीके की चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, उर्वरक यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे कि रिपोर्ट का बटन है ना, सपोजिंग पब्लिक डोमेन में कोई शिकायत है कि इन्होंने स्प्रे किया था लेकिन गलत गलत दिखा दिया, या फिर ये वो नहीं है जो ये बोल रहे हैं, या फिर इनकी कोई गलती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एनी वन कैन पुट दिस एंड दिस विल गो बैक टू द डिपार्टमेंट एंड देन एन एक्शन विल बी टेकन. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम वेरी क्लियरली एट दिस पॉइंट इन टाइम. देखिए एक्शन क्या है, हमने कोई किसानों को जेल में नहीं डालना है, छोटे किसान वैसे ही परेशान है, उसके ऊपर आप उनको और परेशान करेंगे, उनके ऊपर FIR करेंगे, करेंगे वो करेंगे, ये बहुत है यार, मतलब इट्स टू मच. तो हम ये बोल रहे हैं कि मान के चलो 3 सितारा किसान है और उसका कुछ गलत निकल के आता है, तो आप 2 सितारे ले लो, उसको 1 सितारा पे आने दो, फिर से इम्प्रूवमेंट का मौका दो, फिर से बोलो कि ठीक है आप आइए अपने हिसाब से 2 या 3 सितारे पे जब तक आप आना चाहते हैं, बट दैट इज इट, इतना ही करना है हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हम. वाई, बिकॉज मान के चलो आपका मतलब पेनल्टी भी नहीं है, इट इज एन एडमिशन दैट द फार्मर एन एरर हैपेंड. यू नो फार्मर ऑल्सो अग्रीज, हाँ भाई हो गई गलती, मुझे क्या जेल में डाल दोगे, मार डालोगे, क्या करोगे मुझे. तो इन द एंड वी यू टेक द स्टार्स, यू ब्रिंग देम बैक टू 1 स्टार एंड यू से ठीक है गलती हो गई होगी, फिर से सुधार करो, दैट्स बेस्ट यू कैन डू. इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इफ इफ द फार्मर हैजंट चार्ज यू एनी मनी एंड दे आर गिविंग यू द वेजिटेबल एट द सेम रेट, भिंडी वही 40 रुपए का ही दे रहा है, बाजार में भी 40-45 का बिक रहा है, तो क्या हो गया यार. मतलब अगर ये किसान ना देता तो बाजार से भी तो आप केमिकल वाला 40 का ही खा रहे होते ना, तो इट इज नो वर्स देन वॉट इज देयर इन द रेगुलर मार्केट. सो यू जस्ट पुट दिस इन द पब्लिक डोमेन की ऐसी घटना घटी एंड देन कंटिन्यू विद लाइफ. अगर उसने आपसे 4-5 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए तो दे देंगे 4-5 रुपए रिफंड दे देंगे आपको, हाथ जोड़ के सॉरी बोल लेंगे कि भाई ठीक है फिर से सुधार करते हैं. दिस इज वॉट दिस सिस्टम इज राइट नाउ एंड सिंस इट्स इन पब्लिक डोमेन इट फंक्शंस लाइक दैट. देर इज ऑल्सो ऑडिटिंग मैकेनिज्म इन साइड द सितारा, देर इज वन मोर एल्गोरिथम विच रन्स, जिसमें रैंडमाइज बेसिस पे किसी भी फार्मर का नंबर आ सकता है. द फार्मर्स ज्वाइन द सिस्टम नोइंग दैट देयर कुड बी एन ऑडिट एंड इट्स अप टू द गवर्नमेंट टू एनेबल दैट ऑडिट. आई थिंक इसके ऊपर कुछ काम हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट का, दे आर प्लानिंग और दे हैव डन दिस, आई डोंट हैव द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज ऑल्सो देयर. सो देर आर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ चेक इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स डिजाइन. इट्स अ रिएक्टिव सिस्टम, इट्स नॉट अ प्रोएक्टिव सिस्टम. रिएक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम विच वर्क्स ऑन ट्रस्ट टिल देर इज अ सिस्टेमिक ट्रिगर फॉर इट नॉट टू फंक्शन टू. और प्रोएक्टिव सिस्टम में पहले ही आप बहुत बड़ा ढांचा ब्यूरोक्रेसी सब कुछ क्रिएट करते हो, वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल ऑफ दैट कॉम्प्लिकेटेड. सो जी गीता जी, इन दो दो सवाल और हैं, ले लें एक मेरे हिसाब से तो तो। ले लीजिए आप, टाइम का देखिएगा. हाँ, बस इसलिए मैं थोड़ा पुश कर रहा हूँ। एक तो ये पीयर ऑडिट, हाउ इज द स्टार रेटिंग गिवन, एक सवाल ये था, और प्रीमियम कितना मिल पाता है किसानों को, वो द मार्केट प्राइस। ओके तो जो स्टार रेटिंग है इसकी एक मेथोडोलॉजी बनाई थी, करेंटली इट इज अ स्कोरिंग मेथोडोलॉजी, इट इज अ वेटेड एवरेज, बट वेट इज वन राइट नाउ ऑफ ऑल द इंडिकेटर्स और वेरिएबल्स एंड इट टेक्स इन टू अकाउंट वेदर द फार्मर इज एबल टू क्रिएट देयर ओन इनपुट्स. आर दे बेसिकली सितारा इज नॉट अ सिस्टम सो मच ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, इट इज मोर ऑफ अ सिस्टम ऑफ सेल्फ रिलायंस. इज द फार्मर एज क्लोज टू बींग सेल्फ रिलायंट इन द सेंस दैट दे आर यूजिंग इनपुट्स ऑन देयर ओन, दे हैव देयर ओन सीड्स, दे आर वुमेन फार्मर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे आर एज इंडिजिनस एज पॉसिबल बिकॉज इंडिजिनस इज रिजिलियंट और हार्डी. इसके ना बड़े सारे इंडिकेटर्स हैं एंड देर इज अ स्कोरिंग मेथोडोलॉजी विच अकर्स विच वॉज टेस्टेड इन द फील्ड विद
about 2 to 600 farmers. I don't remember the exact figure. And then this methodology was enabled. See, the full form of Sitara is Certified Evaluation Tool for Agricultural Resource Analysis. It is a certified evaluation. It is not a certification system. And the evaluation methodology has been certified by the government of Himachal. That is the way to understand this system. The output is a certificate. The output is a star rating, but it is not a certification system. ये थोड़ा समझने वाली बात है. तो ये सितारा का है. और दूसरा क्वेश्चन था कि प्रीमियम मिलता है कि नहीं. वेल, प्रीमियम एट द मोमेंट प्रीमियम का इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई क्लेम है कि प्रीमियम मिलना चाहिए. बट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं अभी इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी एंड दिस गवर्नमेंट सिस्टम इज दैट हम एक सच्चे प्राइस पे आना चाहते हैं. ट्रू प्राइस अकाउंटिंग, ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग. इट शुड नॉट बी मोर, इट शुड नॉट बी लेस, इट शुड बी ट्रू. तो इवेंचुअली इफ दैट ट्रूथ इज दैट इट इज एट अ सर्टन रेट, भिंडी 40 नहीं 45 है, तो वो ₹5 प्रीमियम तो नहीं कहलाएगा ना. वी वोंट कॉल इट प्रीमियम, वी विल कॉल इट कि भाई यही रेट है 40. अब टमाटर में भी होता है कभी ₹6 किलो बिक रहा है, कभी 120 मिल रहा है. इसका मतलब ये थोड़ा है कि ₹114 प्रीमियम है. दैट इज वॉट इट इज. सो इसको देखने का एक है. प्रीमियम का अभी ऐसा कुछ नहीं है. FPCs और फार्मर्स अपने रेट पे तय करके आगे बढ़ रहे हैं मार्केट में. फुल फॉर्म ऑफ सितारा, सितारा कुछ समझा ना मिले सर, पता ही नहीं मिले समझा. सर्टिफाइड किसानों से आई कैन सी सम कॉलीग्स फ्रॉम हिमाचल एंड द यूनिवर्सिटी हैव आल्सो जॉइंड एंड दे हैव बीन राइटिंग ऑन द चैट अबाउट दिस. तो आप थैंक्स अ लॉट. अर्पण जी का एक सवाल है. अच्छा, वांटेड टू नो व्हाट द एक्सपीरियंस इज, how much price variation exists between market and cost of production after the Sitara system? Well, currently there are no analytics for me to share with you. The reports may be generated in the near future. Some work on this is ongoing. We did some value chain analysis with the cold pressed apple juice with one of the FPCs. Rohit Parashar is also using Sitara certified kisano se himaj. Haan. To ye wali baat to hai. I think ki humne pehle share kiya tha Rohit Parashar ji. Rohit is with us. He is with the media department of the Himachal government, this natural farming department. And he is very well pointed this out that Himachal is the only state right now which is offering a price. I won't call it a premium price yet. I will say that it is a different price for maize and wheat, naturally grown maize and wheat. Aur ye aane wale abhi isi, kyunki abhi maize ka harvest hua hai, makki ka harvest hua hai, to ₹30 ke upar maize ka procurement shuru ho raha hai 2 or 3 star farmers se. और फिर इसका आटा अवेलेबल होगा मार्केट में. फिर जब गेहूं की कटाई होगी विच विल हैपन मे बी नेक्स्ट ईयर इन मई और जून, तब फिर वीट की भी प्रोक्योरमेंट हो जाएगी. तो इन 2 सालों में एक चलती सरकार के पास, राज्य सरकार के पास इसका डेटा आ जाएगा और फिर देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या होता है, टाइम लगेगा इसको. तो थैंक यू रोहित जी, आपने याद दिलाया, मैं फिर से दोहरा दिए वाली बात जी. सो आशीष जी, वी माइट हैव टू क्लोज बिकॉज रोहित जी का टाइम आ गया. रोहित भी अभी उबासी ले रहे होंगे कि यार ये बहुत बोल गया, अब मेरी बारी आई नहीं. नहीं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत धन्यवाद आपको. वी विल टेक मोर क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड इफ दैट्स ओके विद यू. ठीक है, आई माय अदर एंगेजमेंट इज अ लिटिल डिलेड, आई विल बी ऑन म्यूट, सो जस्ट ट्रिगर मी एंड आई विल जॉइन द क्वेश्चंस अगेन लेटर. जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. थैंक यू. Request everyone to stay on. We have one more very interesting presentation, a very different experience. Please don't drop out. जी रोहित जी, आप हो. रोहित जी, आप सुन पा रहे? हाँ जी, हाँ, अभी आवाज आ रही है. बिल्कुल जी जी, तो थोड़ा परिचय दे देता हूँ, एक मिनट. तो रोहित जी करीबन 20 साल से दक्षिण राजस्थान, राजस्थान में ऑर्गेनिक, जैविक और इन सब में काम कर रहे हैं. तो खासकर बैनियन रूट्स करके संस्था है उनकी, तो अब उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. तो इसका बैकग्राउंड तो मैंने शुरू में बता दिया था रोहित जी. ये बेसिकली राजस्थान के 40 ऑर्गेनाइजेशन की एक कोलिशन है जो जैविक और इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ में देश भर के भी हैं. तो ओवरऑल मार्केटिंग और इसको समझना है. तो जी, यू कैन गो अहेड. थैंक यू आशीष जी, और आशीष गुप्ता जी को भी थैंक यू, और सभी को नमस्ते. तो आशीष जी ने वैसे काफ़ी सारे पॉइंट मार्केटिंग पर कवर किए,
और अच्छा लगा इतने टाइम बाद आशीष जी को यहाँ पर सुना। तो आशीष जी ने जैसे लोगों को हमने जब जेवी खाट और ये सब चलाते हुए देखा था, तो मैंने आशीष जी की सॉफ्टवेयर से हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई सॉफ्टवेयर में करी है, और फिर उसके बाद आशीष जी जैसे लोगों को हम देख के इंस्पायर हुए और हमने भी मार्केटिंग में एंटर किया कि हम कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को किसानों से कंज्यूमर्स तक सीधे पहुँचाएँ और एक मार्केट खड़ा करें। तो हमने हमारे शहर उदयपुर में ये काम शुरू किया और 2011 में हमने बैनियन रूट्स को शुरू किया। एक्सक्यूज तो मी आज ऑफ रोहित जी सॉरी, आपका आवाज थोड़ा अगर बड़ा बढ़ा सके तो अच्छा होगा, थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ओके हाँ ठीक अभी है ठीक है, अभी ना। ठीक, हाँ वो लेवल ठीक है। हाँ ओके ठीक है, अभी आ रही है आप आवाज क्लियर है अभी? जी तो आ रही है। मैं बात कर रहा था कि हमने पैनियन रूट्स को 2011 में शुरू किया और I पैनियन think रूट्स you को शुरू again करते हैं। closed it with your finger. The ओके label, you were holding it better just 1 second ago. हाँ फिर से try कीजिए रोहित। तो मैं आपको बता रहा था कि हमने पैनियन रूट्स को शुरू नहीं करते रोहित हैं। सॉरी, जो पहले वाला ऐसा ही ठीक था रोहित ऐसा जी। ऐसा हाँ आपको पकड़ के ही करना पड़ेगा, but don't close the mic on the label. हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ ऐसा हाँ ऐसा बेटर बेटर। हाँ, तो ठीक है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी छोड़े हुए भी 14 साल हो गया ना, तो बहुत सी चीज़ें। तो मैं बात कर रहा था कि हमने ना मैंने 2009 में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 2 साल यही खोज में रहा कि मैं अपने जो जीवन का क्या उपयोग कर सकता हूँ जो समाज के काम आ सके, और इस जीवन का एक मकसद क्या है उसको ढूंढने के लिए मैंने पूरे देश भर में घूमना शुरू किया, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग संस्थाओं में वॉलंटियर किया, और फिर समझ में आया कि खेती जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आज सबसे बड़ा चैलेंज, उस समय भी जब मैं 2009-10 की बात कर रहा हूँ, तभी लगा कि खेती में जो जो सही खेती, मैं केमिकल खेती को तो मैं तभी समझ में आई खेती नहीं है जो केमिकल खेती हो रही है, जो वास्तविक खेती तो जो प्राकृतिक है, जैविक है, जो प्रकृति के साथ हो रही है वही खेती। पर जो लोग ये कर रहे हैं वो सस्टेनेंस को बहुत, मतलब वो अपने घर के खर्चे निकालने निकाल भी नहीं पा रहे हैं। तो वो समझने के लिए कुछ किसानों के साथ थोड़ा काम किया, थोड़ा उनके साथ खेती करी, और उसके बाद लगा कि मार्केट पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि किसान, जो आशीष जी ने भी बताया कि अगर किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस का भाव तय नहीं करता, वो जो भी चीज़ उगा रहा है तो वो रेट नहीं तय कर रहा कि वो क्या रेट में सेल होना चाहिए, वो मार्केट पे पूरा डिपेंडेंट है और मार्केट जो रेट देती है वो उसके एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये सोच के साथ कि कैसे हम एक ऑल्टरनेटिव मार्केट खड़ा करें जहां हमें मंडी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, हम अपनी प्राइस खुद तय कर सकें, तो उसके लिए उस सोच के साथ बैनियन रूट शुरू किया। शुरुआत में 4-5 किसान थे जो जिनको मैं जानता था जो जैविक कर रहे हैं, और उन उनके कुछ प्रोड्यूस को लेकर एक छोटा सा जीरो वेस्ट स्टोर हमने 2011 में शुरू किया, जो बिल्कुल एक रेंटेड जगह पर था, जहाँ सिर्फ जो गांव से बोरे आते थे वही बोरे रखे थे, तराजू रखा रहता था और लोग अपने हिसाब से आते और वहां से अपने प्रोडक्ट लेकर जाते थे। और उसी के साथ हमने कैफे भी शुरू किया, क्योंकि 2011 में जब हमने शुरू किया तो उदयपुर में जैविक मतलब तो ऑर्गेनिक तो लोग शब्द ही बहुत कम लोग जानते थे कि क्या है, और ऐसे समय में और ऐसे छोटे शहर में शुरू किया तो बहुत चैलेंजिंग था लोगों को समझाना कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तो हमें लगा कि इसके लिए हमें इस खाने को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, अगर जब तक लोग इस खाने को टेस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे डिफरेंशिएट है जो हम कह रहे हैं। वो तो हेल्थ का तो अपना फ़ायदा है पर स्वाद स्वाद भी इसका अलग आता है। तो ये सोच के साथ अपने स्टोर के साथ एक कैफ़े शुरू किया, और 2011 में एक दोस्त के साथ कैफ़े शुरू किया। दोस्त कैफ़े संभाल रहा था और मैं स्टोर और स्टोर के सारे ऑपरेशंस में देखता था, और जो हमारे साथ 4-5 किसान जुड़े थे उनके प्रोड्यूस को लाना, उनकी साफ़ सफाई कराना, और उसको रोज जैसा जैसे ऐसे ही प्रोडक्ट, तब तक हमें वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। किसान ने गुड़ बनाया, हम गुड़ लेके आ गए, किसान गेहूँ आया तो गेहूँ आ गया, रागी है तो रागी आ गया, पर उसको हमने सिर्फ क्लीनिंग करके कस्टमर्स को देने तक का काम शुरू किया। और उसी जो प्रोड्यूस आ रहा था उसका हम हमारे कैफे में यूज़ कर रहे थे।
सस्टेन नहीं हो पाया, और 2012 में जो फ्रेंड कैफे संभालता था वो भी थक गया, उसको लगा कि ये बहुत लॉस वाला काम है और उसने कैफे बंद कर दिया। पर हमने स्टोर को कंटिन्यू रखा और 2012, 13, 14, 15, 16 तक हम लॉस में चलाते रहे। और हमने दोस्तों से अपने साथ में उदयपुर में लोकल ऐसी संस्थाओं को ढूंढा जो इस विचारों की है, उनके साथ जुड़ के इसको पुश करना चालू रखा, क्योंकि ये तो काम करते करते ये समझ में आएगा अभी करना तो यही काम है ना, इसको इससे मतलब इसको हमें बंद नहीं करना है, ये बहुत क्लियर था। और 2015 और 16 के बीच में हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हमें हमें इसका कोई स्टोरेज का अनुभव नहीं था और इसके रख रखाव का जो है, तो अभी क्या किसान तो हार्वेस्टिंग करते थे साल में एक बार, जैसे गेहूँ हार्वेस्ट हो गया मार्च अप्रैल में या उड़द हार्वेस्ट हो गया नवंबर में, तो उसके बाद वो तो अपने पास रखेगा नहीं, वो हमें ही स्टोर करना है एज ए एग्रीगेटर, एज ए मार्केटर। तो जब हम उसको प्रोड्यूस को अपने साथ रख रहे थे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज आया, उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। और 2015 में लगभग हमने 15 लाख रुपए दोस्तों से, लोगों से, संस्थाओं से उधार ले रखे थे, और उन सब का जो हमने प्रोड्यूस हमने लिया था उन सब पे कीड़ा लग गया, और ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि हमें बंद करना पड़े। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा अपना मतलब अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इससे फिर हमने मार्केटिंग में क्या चेंजेस किए वो सब बताने के लिए। तो हमारे तो हमने 2015-16 में तो जो नुकसान हो रहा था, तो उसको फिर हमारी टीम ने बहुत शिद्दत से लग के जितना उसको बचा सकते थे, धूप दिखा के, स्क्रीनिंग करके, और उसको हमने बचाया। पर फिर उसके बाद हमें लगा कि हमें थोड़ा कुछ हमारे स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा, तो अगर हम ऐसे बंद कर देंगे और इस स्टेज तक भी पहुंचे कि आज हमारे पास शहर में ऐसे लोग हैं जो हमें हमें बहुत मानते हैं, अभी जब हमने लोगों को ये मैसेज कहना शुरू किया कि अभी शायद हमारे लिए अब चलाना मुश्किल होगा स्टोर, अभी हमें बंद करना पड़ेगा, तो हमारे कस्टमर्स हमारे पास आके कहने लगे कि नहीं आपको पता नहीं आपके यहाँ के खाने की वजह से हमारे घर में कितने लोग आज स्वस्थ हैं। तो हमें लगा कि यार लोगों की इतनी पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग है, तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर हमने स्पेस चेंज कर दिया, और जब हम 2011 से 2015 तक जब हम 10,000 रुपये, 12,000 रुपये के रेंट पर हम एक स्टोर चलाते थे, पर हमें लगा कि जब तक लोगों की विजिबिलिटी नहीं होगी, हम जब तक लोगों की नज़र में नहीं आएंगे, तब तक हम लोगों तक अपनी बात ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमने उस लॉस में भी हमने रिस्क लिया, एक 24,000 रुपये मंथली रेंट पे हमने एक शहर के अंदर दूसरी जगह ली सारा, और क्योंकि ग्रेन जहाँ हम स्टोर कर रहे थे रेंटेड जगह पे, वहाँ पर भी क्योंकि पेस्ट का जो बहुत ज़्यादा फैल गए थे, तो हमें चेंज करना ही पड़ा, चूहे कीड़े ये सब बहुत लगने लगे। तो फिर हमने दूसरी जगह ली रेंट पे, और वहाँ चूंकि वो शहर के एकदम हार्ट ऑफ द सिटी था उदयपुर शहर के, और पास में एक मॉल भी था, लोगों का फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, तो उसका बहुत फर्क पड़ा। और उसके बाद हमने हमें लगा कि हमें वापस से, जैसे हम कैफे चलाते थे तो कैफे तो अभी नहीं चला रहे, पर हम ना कैफे का इन्वेस्टमेंट ना करके लोगों के यहाँ जाकर हम जो प्रोड्यूस जो भी लेकर आ रहे हैं उसको खुद बना रोहित के खिलाना चाहिए। हाँ रोहित हाँ ऑडियो हाँ का तो जो यस हाँ 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 तो जो हम है ना हमने सोचा कि हम लोगों के पास जाकर और अपने प्रोड्यूस को वहाँ कैटरिंग करना शुरू करें, तो 2016 में हमने कैटरिंग सर्विस भी शुरू करी, ऑर्गेनिक जो भी हमारे प्रोड्यूस आते हैं उनकी ऑर्गेनिक और मिलेट फूड की कैटरिंग हमने 2016 से शुरू कर दी। और क्योंकि प्रोड्यूस बहुत सारा हमारे पास किसानों का बचता भी था, और फिर हमें ये समझ में आया कि ना हमें वैल्यू एडिशन में बहुत ज़्यादा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से चीज़ें किसान रो नहीं ले पा रहे, तो फिर हमने वैल्यू एडिशन करना शुरू किया, दालें बनाना शुरू करी, आटा बनाना शुरू किया और कैटरिंग करना शुरू किया। तो जितने हमने वैल्यू एडिशन करे हमारे प्रोडक्ट के जो एसकेयूज हैं वो बढ़ने लगे, एसकेयू मतलब नंबर ऑफ आइटम हमारे प्रोडक्ट लिस्ट में बढ़ने लगे, और ये हमें समझ में आया रिटेल में अगर टिकना है तो आपके पास रेंज बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर रिटेल B2C यानी डायरेक्ट कस्टमर्स को आप दे रहे हैं तो कस्टमर्स को बहुत सारे वो उनको ये कस्टमर्स का कहना है कि मैं सिर्फ आपका गेहूं और रागी या गुड़ खाऊंगा तो उससे क्या, मुझे तो सब्जियां भी चाहिए, मुझे तो दालें भी चाहिए, मुझे मसाले भी चाहिए, तो उनको सारी रेंज चाहिए। और आटा बनाने के लिए अभी कोई घर में किसी के पास चक्की नहीं है, तो सबको रेडीमेड आटा चाहिए, दलिया चाहिए, तो हमने धीरे धीरे प्रोसेसिंग को एक्सपैंड करना शुरू किया। और फिर हमने 2017
2017 में अनलिमिटेड इंडिया एक सोशल एंटरप्रेन्योर ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है जो कि ऐसे सोशल एंटरप्राइज को सपोर्ट करती है। तो उनके सपोर्ट से और मिलेनियम अलायंस के सपोर्ट से हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जहां और कोल्ड स्टोरेज बनाया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था स्टोरेज में हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और एक मार्केटिंग के लिए अगर कोई भी मतलब किसी भी तरीके से मार्केटिंग शुरू करनी तो आपको अपना स्टॉक रखने की जगह आपके पास होनी चाहिए। तो हम अब तक रेंट पे कोल्ड स्टोरेज का यूज़ करते थे, उसके रेंट इतना ज़्यादा होता था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रहा था। तो जब हमें ये सपोर्ट मिला तो हमने सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज बनाया और उसके साथ हमने कुछ मशीनरी में इन्वेस्ट किया और हमारा एक फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट हमने वहाँ पर बनाया। उसके बाद हमने धीरे धीरे बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, बहुत सारे एग्जीबिशंस में हम जाना शुरू किया और अक्रॉस इंडिया बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाने लगे। पहले बीच में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने वुमेन ऑफ इंडिया शुरू किया था और वहाँ पर हमने एग्जीबिशंस लगाना शुरू किया। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरी टीम में मेरे साथ मेरी वाइफ भी है जूली, जो कि खुद बहुत अच्छी शेफ भी है और बहुत सारी रेसिपीज वो बनाती है। तो उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए और तो वो सारे प्रोडक्ट्स हम अक्रॉस इंडिया अलग अलग एग्जीबिशंस में जाने लगे और वहाँ से सेल्स बूस्ट होना शुरू हुए। और धीरे धीरे हमने अपना अपना जो सेल्स है तो इसको हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। एक हो गया डायरेक्ट कस्टमर से आने वाली सेल, दूसरी जब पूरे देश में हम घूमने लगे तो बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हमसे जुड़ गए जो हमारे प्रोड्यूस जो कि राजस्थान में हो रहा है या हमारे यहाँ हम बना रहे हैं उनको वो खरीदना चाहते थे, तो उनको हमने सेल करना शुरू किया। तो इसको बोलते हैं वो B2B सेल्स। तो हमारे बल्क में जो खरीदने वाले हैं वो हमने एक और साइट में वो भी ताकि सेल्स वहाँ से भी आने लगे। और उसके साथ हमने कैटरिंग इवेंट्स वाला, तो ये तीन तरीके से हमने सेल्स को मार्केटिंग को बढ़ाना शुरू किया। और कंज्यूमर अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा इवेंट से क्रिएट होती है, तो हमने इसलिए क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अपने मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स को क्यों आपका प्रोडक्ट लेना है, क्यों ऑर्गेनिक खाना है, वो सब समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए इवेंट्स में हम उनके साथ कम्युनिकेशन करना वो सब हमारा चालू था। तो ये तीन तरीके से हमने हमारी सेल्स को एक्सपैंड किया और 2020 तक हमारे साथ पूरे शहर से 2000 कंज्यूमर्स रिटेल के जुड़ गए। और उन 20 मार्च तक, ये कोविड मार्च तक आया तब तक हम रिटेल स्टोर्स चला रहे थे। और उसके साथ हमने देश भर में अलग अलग जगह के किसानों से इकट्ठा करना शुरू किया, तो उनको भी मार्केट देना शुरू किया। तो बहुत सारे किसान संपर्क में आए, कोई मध्य प्रदेश से आया, प्रयोग परिवार से जुड़े हमारे साथी किसान हैं वो उनके यहाँ से भी, रतलाम से, कुछ गुजरात से थे। तो जहाँ 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 भी किसानों को मार्केट में चैलेंज आया, कुछ जोधपुर के यहाँ पे जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ के भी किसान जुड़े, तो स्पाइसेस, तो ऐसे हमने बहुत सारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़ने लगे और प्रोडक्ट का हमने रिटेल में भी हमारे साथ 2000 कस्टमर जुड़ गए। और जब हमने 2011 में सेल शुरू करी थी तब हमारा महीने का 10,000 रुपये की सेल थी और 2020 तक वो महीने की 12-15 लाख रुपए की सेल तक हमारी पहुंच चुकी थी। तो ये ग्रोथ हमने मार्केटिंग में, ये हमारी एक 10 मतलब तब तो हमारे लिए 10,000 रुपये जब 2011 में शुरू किया था तो 10,000-20,000 भी हमें हो जाती थी महीने की सेल, तो हमें लगता था कि अच्छी सेल हो रही। 20,000 हमने तो टारगेट भी रखा था कि चलो कम से कम हम महीने के 60,000 रुपये की सेल तक पहुँचेंगे। पर ये धीरे धीरे जो कंज्यूमर अवेयरनेस इवेंट्स और कोलोबरेशन करके हम लोगों के साथ, तो यहाँ हमारे शहर के जो 2000 कस्टमर्स जब हमसे जुड़ गए तो हमारा 12-15 लाख रुपए महीने की सेल होना शुरू हो गया। और तब थोड़ा बहुत हमारा बाहर भी जाने लगा था प्रोडक्ट। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या यह आई कि जब कंज्यूमर्स का जब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया और कोविड आया और कोविड के बाद हमने होम डिलीवरी करना शुरू कर दिया, तो कंज्यूमर्स के डिमांड बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के आने लगी। अच्छा, बहुत से आइटम्स हमारे पास, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है, किसान जो है वो तो हार्वेस्टिंग पर ही सेल कर देगा, तो इतना आप एक एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हो कि आपका नेक्स्ट ईयर क्या कंज्यूम होगा। जैसे आज आपके 2000 कस्टमर है पर अगले साल पता नहीं 2500 होंगे, 3000 होंगे या 2000 ही रहेंगे, आप कुछ पता नहीं। तो आप जो स्टॉक करोगे वो किस बेसिस पे करोगे वो एक डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार बहुत से आइटम आपके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और जो लास्ट में जब
कुछ महीने सामान नहीं दे पाते तो कस्टमर बहुत नाराज हो जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक खाना धीरे धीरे बहुत से कस्टमर्स टिके रहते हैं, पर बहुत से कस्टमर ड्रॉप हो जाते हैं कि नहीं आपके यहाँ तो सामान ही नहीं मिलता है। और फिर उसके बाद आप जो इतने सारे एफर्ट्स लगा के इतने दिन रात की मेहनत से जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं, वो भी कस्टमर्स उसको मतलब इग्नोर करना, उसको अहमियत नहीं देता है, जो नहीं है उसको देखकर आपको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये जब कोविड में लोग वैसे भी बहुत परेशान थे, बहुत फ्रस्ट्रेट थे, तो और गालियाँ ज़्यादा पड़ने लग गई कि आपके पास ये भी नहीं है, आपके पास वो भी नहीं है, आप आम ला रहे हो तो आम में कीड़े पड़ रहे हैं। तो हम रिटेल का जो है उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। हमें लगा कि यार ये रिटेल बहुत मुश्किल काम है, और भले ही सेल आ रही हो इससे, ये रिटेल अपने से मैनेज नहीं हो रहा है। तो हमने और फिर ये भी देखा कि इतनी चैलेंजिंग है, मतलब कि आपको हर प्रोडक्ट आप कहाँ से सोर्स करो, जेन्युइन ऑथेंटिक किसान होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करो कि वो वाकई में जेन्युइन दे रहा है कि नहीं। अभी आप कहीं किसी किसान से गुजरात से कहीं मंगा रहे हैं, पर आप रेगुलर मॉनिटरिंग तो कर नहीं सकते, तो फिर वहाँ से कुछ गड़बड़ आ गया तो उसकी जिम्मेदारी कैसे रहेगी। तो फिर हमने 2020 के बाद सोचा खुद खेती करते हैं, और वहाँ अच्छा फार्मर बेस जो हमारा अपना लोकल है उदयपुर का, उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। तो फिर हमने 2020 के बाद एक खुद खेती लीज पे लेकर खेती करना शुरू किया, साथ में एक फेलोशिप हमने शुरू कर दी जहाँ पर हम युवाओं को भी हमारे साथ जोड़ने लगे, ताकि वो हमारा हमने फोकस जो उदयपुर के अंदर जाडोल तहसील है उसके अंदर एक फलासिया सब तहसील है, तो उस पर फोकस कर दिया कि हमारे पास ऑलरेडी वहाँ से जुड़े हुए हमारे पास 300 के आसपास फार्मर्स थे, है ना, ट्राइबल फार्मर, पर उन तो मैंने इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, यहाँ हम क्रॉप में डाइवर्सिटी लाते हैं, और फिर कुछ नहीं होगा तो बाहर जाएंगे, पर कोशिश हो कि यहाँ के प्रोड्यूस हो, और ज़्यादा B2B पे फोकस करते हैं। रिटेल हमने 2020 के बाद जिनको हमसे लेना है, और जो वाकई में हमने क्या फिर परेशान हो गए, मैं सब बंद कर दिया कस्टमर्स को मैसेज, 2000 कस्टमर्स को एक साथ मैसेज कर दिए कि अब हम इसको चला नहीं पाएंगे, और हम अगर मतलब स्टोर्स नहीं चला पाएंगे, आपको लेना है तो आप एज अ सब्सक्राइबर के तरीके से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप कमिटमेंट दें, आप हमें पहले आपकी रिक्वायरमेंट बता दें तो हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोक्योर करेंगे, और हम और हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ ओपन है, आप वहाँ आ जाएं और वहाँ से ले लें। तो हमने फिर प्रोसेसिंग यूनिट तो चालू रखी, और हम यहाँ खेत में फेलोज तैयार करना और फोकस ज़्यादा फार्मर्स को बढ़ाना, FPO क्रिएट करना, और प्रोसेसिंग जो खेत के एंड पे हो सके उस पर काम करना शुरू कर दिया। 2022 तक हमने एक FPO भी वहाँ पर आदियन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से शुरू किया, और जो किसान जिनसे हम वहाँ प्रोड्यूस खरीदते थे उन किसानों को ही जोड़ना शुरू किया, जिनसे प्रोड्यूस नहीं खरीद रहे हैं उनको FPO में अभी तक हमने नहीं डाला। तो और धीरे धीरे कि जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम से कम प्राइमरी प्रोसेसिंग वहीं हो जाए गाँव में, और फिर शहर में लेकर आए, और B2B पर हमने अभी ज़्यादा ध्यान दिया। तो इन 3-4 साल में हमारे देश भर के कस्टमर्स बहुत बढ़े। हमने अच्छा पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे आदर्श बहुत ऊंचे थे कि हमने हमें विदेश में नहीं भेजना है, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकली कंजप्शन करेंगे जितना हो लोकल, पर फिर हमें समझ में आया कि हम किस किस फ्रंट पे लड़ेंगे ना, कि पहले तो हमने जीरो वेस्ट स्टोर भी शुरू किया, फिर हमें लगा कि यार बिना प्लास्टिक के तो हम यहाँ पर, तो बहुत सी जगह हमें अपने आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़े, पर जो मूल था कि हम कैसे जैविक किसानों को हम जो प्राकृतिक कर रहे हैं उनको अपना उनको एक अच्छा मार्केट दिला पाए जो कंटिन्यू करे, तो हम वो हमारा हमेशा से फोकस रहा। पर हाँ हमें लगा कि हमें प्लास्टिक पैकेजिंग पे आ जाना चाहिए, तो हम उस पर आ गए। हमें लगा कि नहीं, हमें अगर कोई बाहर से हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं आउट ऑफ इंडिया से, तो ठीक है उनको वो अच्छा प्राइस देना, हमारे देश के लोग नहीं समझ रहे तो हम क्यों वहाँ तक फिर लिमिट करें। तो हम अभी कुछ दोस्तों को जो दोस्त बिना सर्टिफिकेशन, अच्छा हाँ तो सर्टिफिकेशन भी आता, तो हमने तो जिनको हमारे काम के ऊपर ट्रस्ट है, जो जिनको सर्टिफिकेशन सिस्टम पे उतना ट्रस्ट नहीं है, तो वो लोगों को हम विदेश में भी हम दे रहे हैं, US भी जाता है, जापान, कनाडा, यहाँ भी हमने अभी अभी भेजना शुरू किया, ये अभी थोड़ा थोड़ा US में थोड़ा ज़्यादा जाता है, पर हाँ पर ये ठीक है, वो जो चीज़ हमारे यहाँ खपत नहीं हो रही, जिसमें फार्मर के पास प्रोड्यूस पड़ा है लोकली उसकी प्राइस नहीं मिल पा रही है, तो फिर उन प्रोड्यूस को हम बाहर भी हमने भेजना शुरू किया। पर फिर भी प्रायोरिटी है कि अगर लोकल मार्केट है लोकल, क्योंकि विदेश में भेजने के अपनी परेशानियां हैं, अपने रिस्क हैं, पर हाँ अगर लोकल मार्केट क्रिएट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। तो
पर लोकल मार्केट के लिए हमें ये लगा कि सब काम हम नहीं कर पाएंगे, हम प्रोसेसिंग भी करें, हम किसानों के साथ काम भी करें, तो हमें लगा कि हमें और एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने होंगे जो कि हमारे सोच के साथ अलाइन होते हैं और उनके साथ काम करें। हमने ये भी ट्राई किया जो ये रिलायंस वाले, बिग बास्केट वाले, ये जो लोग सेल कर रहे हैं, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, मैं और बड़े ऑर्गेनिक ब्रांड्स का नाम नहीं लूंगा, पर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, तो जब वो प्रोक्योरमेंट करने आते हैं, अभी अभी इंडिया में एक दो कोऑपरेटिव बहुत बड़े लॉन्च हुए, तो ये भी जब है ना हमारे पास आ जाते हैं कि हमें प्रोक्योरमेंट करना है, तो अल्टीमेट जो प्राइस पे करते हैं वो हम जैसे छोटे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो पे कर रहे हैं उससे बहुत कम होता है। वो किसानों को 25 रुपए में गेहूं खरीदना चाहते हैं, तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, तो हमारे यहाँ बिना सर्टिफाइड का जो नॉर्मल किसान सिर्फ अभी अभी रिसेंट शुरू किया ऑर्गेनिक, उसके घर से लोग दूसरे किसान 30 रुपए में आके ले जाते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि बड़े ब्रांड्स भी हमारे कस्टमर नहीं हो सकते, हम इसलिए हमें उन पे कभी ज़्यादा अपना टाइम खराब करना ही नहीं चाहिए। तो हमने सारे छोटे जो छोटे ब्रांड्स हैं तो उन पे फोकस किया, और उनसे हमारी सेल्स अच्छी आती है, उनको उन पर ट्रस्ट भी है, प्राइस भी पे करते हैं जो हमारे प्राइस हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो उन पे शुरू किया। और धीरे धीरे रिटेल, जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनका हमने सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल हमने शुरू करना शुरू किया है, वो भी इनिशियल टेस्टिंग फेज पे चल रहा है, जहाँ रिटेल कस्टमर्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट बता दे, तो उस हिसाब से हम अपने फार्मर्स से कलेक्ट करना, ग्रो कराना वो शुरू कर सकें। तो ये हमारा अब तक का ये सारा सफ़र रहा, और इसमें अभी हमने रिसेंटली पूरी मिलेट वैली, हाँ, इसके साथ अभी हमने वापस से जो हमारा पुराना जब हमने कैफ़े शुरू किया, हमें हमेशा से बहुत मज़ा आता है लोगों को खाना बना के खिलाने में, और इसी वजह से हम कैटरिंग भी करते हैं, और तो हमने उदयपुर में एक अभी बस अभी दिवाली पर मिलेट फूड कार्ट, मिलेट वाली गाड़ी के नाम से वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एक फूड कार्ट है, वो हमने इसलिए रखा कि हमें लगा कि एक जगह, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कैफ़े हम चला चुके हैं, और ये समझ में आया कि कैफ़े बहुत ही इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है, अगर आप जब तक कैफ़े में एम्बियंस नहीं देंगे तो लोग आएंगे नहीं, और तो हमने फूड कार्ट तो ऐसा है कि आप कहीं भी, जहां आपको किसी को कहीं भेजना है, किसी शहर में कहीं भी इवेंट हो रहा है, आप कार्ट वहां भेज दो, तो हमने वो फूड कार्ट अभी बनाया है, और अलग अलग जहां भी प्रोसेसिंग में हमें लगा कि कहां हमें अब मशीन्स की आवश्यकता है, तो वो सब अभी हमने रिसेंटली पूरा नया एक और प्रोसेसिंग यूनिट, सभी तरीके की जो भी अब तक प्रोसेसिंग को हम बेस्ट कर सकें उस तरीके से हमने सारी मशीन और ये सब डिज़ाइन करके अभी हमने रिसेंटली इंस्टॉल करी है। आईफेड का एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो सोशल एंटरप्राइज को जो एग्री वैल्यू चेन पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो हमने ये अभी तक ये डेवलप किया। और हाँ, तो इसमें सर्टिफिकेशन का एक पॉइंट था, तो हमने 2014 से 2017 तक TGS का सर्टिफिकेट हमने तब ले रखा था, और उसके बाद हमने हमारे कस्टमर्स के साथ सामने देखा कि अगर जो किसान एक्चुअली जो कंज्यूमर्स हैं वो ट्रस्ट हम पे कर रहे हैं, ना कि सर्टिफिकेट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो जब हमने सर्टिफाइड प्रोडक्ट भी सेल करना शुरू किया, और हमने एक बार हिमाचल से एप्पल मंगवाई थी आशीष जी के थ्रू, और दोनों एप्पल्स थी हमारे पास, सर्टिफाइड एप्पल और नॉन सर्टिफाइड एप्पल दोनों, तो हमारे कस्टमर्स का कहना था कि ये जब दोनों आप ही के थ्रू आई है तो दोनों के सोर्सेज आप जानते हैं, तो हम तो सर्टिफिकेशन का क्यों एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करें। तो फिर हमें ये समझ में आया कि लोग है ना एक्स्ट्रा पे नहीं करना चाहते, कंज्यूमर तो चाहता है उसको चीज़ें सस्ती ही मिले और ट्रस्टेड हो, तो अभी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए कस्टमर्स हैं तो वो ट्रस्ट बेसिस पे ही ले रहे हैं। हमने FSSAI का जब से ये अड़ंगा शुरू हुआ कि अगर आप ट्रस्ट बेस पे चला रहे हो और आप ऑर्गेनिक नहीं लिख सकते, तो फिर हमने उसको ऑर्गेनिक लिखना हटा दिया। हाँ, पर अभी हम वापस से सर्टिफिकेशन अप करवाएंगे, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्शन यूनिट बढ़ गया है, फार्मर्स बढ़ गए हैं, और तो क्या होता है कि बिना मतलब बिना सर्टिफिकेशन ट्रस्ट बेस पे एक अगर आप 2-3 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं, जहाँ तक हमें समझ में है कि वो आप कर लेंगे, पर अगर उसको फिर उसको स्केल करना है तो आपको फिर हो सकता है आपको बाहर भेजना पड़े और वहाँ सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ जाए, और ये भी सर्टिफिकेशन कॉस्ट हमें 50% कोई संस्था बेयर कर रही थी, तो हमने उसको सर्टिफिकेशन को करना स्वीकार किया, और वो भी अप करेंगे। अभी तक तो हमारा बिना सर्टिफिकेशन है, तो हमने हमारी लेबलिंग से सर्टिफिकेशन हटा रखा है। फार्म विजिट अलाउ
है, हमारे जो भी रिटेल कस्टमर्स हैं वो भी जा सकते हैं, B2B वाले कस्टमर्स हैं, जब कोई नया जुड़ता है तो हम उनको कहते हैं कि आप एक बार यहाँ आके देख लो सारा काम। और तो ये सारी जर्नी अब तक की रही। और इसके साथ मुझे लगता है कि ना, जब हम मार्केट और कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करते हैं तो एक्चुअली पूरा मार्केट की पावर कंज्यूमर्स के हाथ में है। सो कंज्यूमर है वही पूरा ड्राइव कर रहा है मार्केट को। और अगर हम कंज्यूमर्स को, अगर हम हमारा मैसेज क्लियरली नहीं बता पाएंगे तो मार्केट नहीं डेवलप होगा। और कंज्यूमर्स आज सारा मीडिया से, सोशल मीडिया है या टीवी मीडिया, उससे वो अपनी चॉइसेस डिसाइड कर रहा है। तो हमें भी मार्केटिंग में कुछ तो इनोवेशंस लाने ही पड़ेंगे, जिससे कि हम कंज्यूमर्स को आई विजुअल स्टोरीज हम बना के शेयर करें कंज्यूमर्स के साथ। मतलब जितनी हम स्टोरी शेयरिंग कंज्यूमर्स के साथ होगी, उतना कनेक्ट अच्छा बनेगा और उतना कंज्यूमर्स हमारे लिए प्राइस पे करने को तैयार है। आशीष जी ने जैसे एग्जांपल से शुरू किया था कि वो भिंडी की एक क्या प्राइस होनी चाहिए ना, तो लोगों ने सब ऐसे, किसी ने 40 बोला, किसी ने तो वो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें 80 रुपये किलो हमारा कॉस्ट चाहिए या 70 रुपीज़ चाहिए, जो भी कॉस्ट आ रहा है, तो वो तब तक हम नहीं ला पाएंगे जब तक कंज्यूमर्स के साथ हमारा कनेक्ट ना होगा और उनको हमारी स्टोरी नहीं पता होगी। मार्केट बहुत चैलेंजिंग है, बहुत परेशानी, जैसे आशीष जी ने भी कहा और मैं भी, हम बहुत मतलब ये बाल पूरे सफ़ेद हो गए हैं और इस पूरे काम में, और मतलब दिन रात की परेशानी है, कभी पता नहीं कौन सा पहाड़ कब टूट पड़ेगा। सो लास्ट ईयर हमने, मतलब हम हर साल कोई भी ग्रेन स्टॉक करते हैं तो कोई 20 टन होता है, कोई 30 टन होता है, 60 टन होता है। सो गेहूं का कंजप्शन सबसे ज़्यादा है तो गेहूं का स्टॉक सबसे ज़्यादा होता है। अब लास्ट ईयर ही 9 टन गेहूं फार्मर ने मॉइस्चर, हमसे भी मिस्टेक हुई होगी और किसान से भी मॉइस्चर हमने शायद उस समय ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट लग गए और 9 टन गेहूं पे कीड़ा लग गया। तो ये 2015 में भी दिक्कत थी, 2024 में भी दिक्कत है कीड़े लग जाने के कारण, माल खराब हो जाने के कारण, और जब कंज्यूमर के यहाँ, और अभी क्लाइमेट चेंज के कारण कीड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मतलब जो मैं पहले, हम लोगों को जो हम गेहूं बेचते थे या जो भी दूसरा सामान जिसमें, जैसे मूंग में बहुत जल्दी, चने में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, वो उसके कीड़े लगने की जो रेट्स हैं वो अभी ज़्यादा बढ़ी हुई हमें नज़र आती है, कि अभी बहुत जल्दी कीड़ा लग रहा है सब में और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स परसेंटेज में आ रहा है। तो हम उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेन प्रो बैग्स हैं, जैसे हर्मेटिक बैग्स आते हैं उसमें पैकिंग करके देना शुरू कर दिया, वो पैक करना शुरू कर दिया, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं तो वो हम करना शुरू करें। तो जैसे आप में से भी जो लोग है ना मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जब तक ये 3 चीज़ें ना हो तब तक घुसने का सोचना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला है कमिटमेंट, अगर हमारा कमिटमेंट नहीं है इस काम को करने का तो ऑर्गेनिक की मार्केटिंग में बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहिए। मेरे सामने ही उदयपुर शहर में, यहाँ आशीष जी भी बैठे, उनको भी पता है कि कितने नहीं स्टोर्स डेली, मतलब यानी साल में कोई खुल शुरू तो होते हैं, और 12 12 स्टोर्स तो मैं पिछले 3 साल में उदयपुर में नोट कर चुका हूँ जो बंद हुए हैं। तो कोविड के बाद इतने रैपिडली ऑर्गेनिक, सबको लगता है ऑर्गेनिक में बहुत बड़ा मार्केट है, मेरे को हर तीसरे चौथे दिन फोन आता है कि हमें ना ऑर्गेनिक में एक स्टोर शुरू करना चाहते हैं। अभी कल ही एक फोन आया तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा क्यों करना चाहते हो, तो अभी कोई काम नहीं है इसलिए अभी सोच रहे हैं ऑर्गेनिक का स्टोर शुरू करते हैं। तो मतलब तो वो वैसे स्टोर चलेगा नहीं ना, उसके लिए कमिटमेंट पूरा चाहिए और पैशनेट होना चाहिए व्यक्ति ऑर्गेनिक के लिए, तो तभी कमिटमेंट बनेगा। और इनोवेशन, अगर हमारे पास मार्केटिंग में इनोवेशंस नहीं आ पा रहे, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है पैकेजिंग में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, डिलीवरी में, कस्टमर कम्युनिकेशन में, तो हम मार्केटिंग में बहुत पीछे रह जाएंगे। और तो मुझे लगता है अगर ये चीज़ें हो गई तो फंड्स अरेंज करना, वर्किंग कैपिटल अरेंज करना, या दूसरी बहुत सारी हर्डल्स हैं, सैकड़ों अभी हर्डल्स और हैं, पर वो सॉल्व हो जाएगी अगर अपने पास कमिटमेंट है, इनोवेशन है और हम पैशनेट होकर काम कर रहे हैं। हमें भी मार्केटिंग कैपिटल, चूंकि मार्केटिंग, हम जब मार्केटिंग पे काम करते हैं तो वर्किंग कैपिटल एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, और वो
हर को सबको चैलेंज आता है जो भी नया कोई, और पहले कोई बैंक भी आपको लोन नहीं देता, कोई भी व्यक्ति जब भी आप शुरू करते हैं। हमने भी जब शुरू किया था तो दोस्तों से इधर उधर से ही हेल्प लेनी पड़ी, बैंक तो तैयार ही नहीं था। अब आज तो फिर बैंक देने को तैयार बैठे हैं, पर हाँ, तो वर्किंग कैपिटल के लिए जितना विदाउट इंटरेस्ट लोन मिल जाए ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। और बाकी इवेंट्स, जैसा मैंने बताया था कि इवेंट्स जो है वो बहुत बढ़िया टूल है अवेयरनेस फैलाने का, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाने का, और इसके लिए कोलैबोरेशंस के साथ ही हम इवेंट कर सकते हैं। और इसके लिए अभी जैसे मैं अभी यही सोचा, कुछ कुछ दिनों पहले भी कुछ लोगों ने अभी स्टोर शुरू किए और उनके भी खोला है। तो पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किन प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं ना, तो और वो प्रोडक्ट वाकई में मार्केट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो जैसे मैं देखता हूँ कि अभी एक फ्रेंड ने जामुन स्टिक बनाना शुरू किया, जामुन जंगल से जो जामुन है और उसका, पर अभी मैं उसको देखता हूँ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ही नहीं रोहित, है आवाज उसका। नहीं आ रही है। अभी आ रही है या हाँ दूसरे जी, हाँ जी, जी अभी आ रही है। हाँ, एक्चुअली क्या मैं अपने शहर में भी नहीं हूँ, मैं आज बैंगलोर आया हुआ था, तो मैं दूसरा हेडफोन भी नहीं, तो ठीक है। तो है ना, तो मैं ना बहुत जरूरी है, और वो प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, कंज्यूमर उसको यूज कर पा रहा है। फिर बाद में आप धीरे धीरे आपका एक कंज्यूमर बेस बन जाए, थोड़ा चैलेंजिंग प्रोडक्ट को लें, पर जब तक कंज्यूमर बेस नहीं बना है तब तक थोड़ा इजी प्रोडक्ट हाथ में लेना चाहिए जो कि जो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए ना। हमारे पास क्या है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मीडिया में बूस्ट कर सकें वो पैसा। आज अगर सोशल मीडिया में भी अगर आप कोई एड चलाने चाहोगे उसका बहुत बड़ा खर्चा है। तो हमारे पास तो यही है कि हमारे जो कनेक्शंस हैं, हमारे जितना भी हमारा सोशल कैपिटल है, उन सब में हम अगर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएं और वो टेस्टिंग करके और वो रिव्यूज देकर हमारे कस्टमर बनते हैं, वही हम अभी शुरुआत में कर सकते हैं। वो तभी बनेंगे जब हमने कुछ इजी प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो इजीली, फिर जब एक बार वो इजी प्रोडक्ट्स लोगों के पास पहुंचे, आपका ब्रांड वहां पहुंच गया, आपका नाम वहां पहुंच गया, तब फिर हम जाके थोड़े से ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर सकते हैं जो कस्टमर्स अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा कस्टमर्स के माइंडसेट समझना, कस्टमर्स की साइकोलॉजी को समझना मार्केटिंग के साथ बहुत ज़रूरी है, और हमें ये सब कुछ नहीं पता था। मैं आज ये सब बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 14 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो ऐसे मतलब ऐसे ज्ञान देना तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, पर मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अनुभव में आई है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर जो मुझे अब तक मेरे अनुभव में आई कि हमने जितने भी और भी, क्योंकि 14 साल में बहुत सारे कंपनीज को शुरू होते देखा, बहुत सारे स्टोर शुरू होते देखे और बंद होते हुए भी देखे, और वो क्यों बंद हुए उनके कारणों में जो मुझे समझ में आया कि एक तो वही कस्टमर्स को सही से उनकी जो साइकोलॉजी उसको नहीं समझा, प्राइस प्राइस कॉन्शियस बहुत बड़ा है अपना इंडियन कंज्यूमर जो कस्टमर है। तो अगर हमने अब क्योंकि है ना, लोगों को एक बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि ऑर्गेनिक के नाम पे कस्टमर्स बहुत पैसा देने को तैयार हैं। ऐसा हम तो 14 साल से हम हैं, हमें तो नहीं लगा कि कंज्यूमर्स ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत पैसा देते हैं, और वो थोड़ा बहुत 30%, 40%, 50% मैक्सिमम वो कंज्यूमर, अधिकतर कंज्यूमर्स वो पे कर देंगे। जो कंज्यूमर्स डबल ट्रिपल रेट पे कर रहा है मार्केट से, उसका मैंने ये देखा है कि उसका कंजप्शन भी बहुत कम है। तो जितना हायर क्लास कंज्यूमर है, जो आपका मान लो कोई आपका प्रोडक्ट जैसे उड़द की दाल बाजार में 150 की है और आप 350 रुपए की बेच रहे हैं, तो 350 को खरीदने वाला एक अपर क्लास का बहुत लिमिटेड कंज्यूमर है, और उसका भी कंजप्शन बहुत कम है। वो बाहर खा रहा है, पार्टीज में खा रहा है, बाहर ट्रैवलिंग में निकल रहा है, पर जो एक्चुअल मिडिल क्लास है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और वो 150 का 200 तक दे सकता है ना। वो 200 भी उसका क्या है कि ना, कोशिश तो ये होनी चाहिए 195 ही हो, क्योंकि वो फिगर वापस वो 100 से 200 की सीरीज में जाता है तो मिडिल क्लास की नज़र में आने लग जाता है। तो प्राइस प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है, तो प्राइस को हमेशा उसमें ध्यान रखते हुए हमें करना है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास मार्केटिंग के अभी तक हमने सर्टिफिकेशन और ये सब भी इसलिए नहीं कराया कि हमारे पास जो कंज्यूमर्स हैं वो सब इतने जुड़े हुए हैं कि अभी तक हमें
जो भी प्रोडक्ट्स हम इकट्ठे करते हैं वो एंड ऑफ द ईयर तक सब सेल हो जाता है। हमारे पास चैलेंज क्या आ रहा है कि ना मार्केट तो है पर हमारे पास चैलेंज है कि उसका रख रखाव करने के लिए पूरा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिस्क लेने की हमें हिम्मत नहीं होती कि जितना हम वो ट्रेडिंग नहीं करना चाहते कि आज यहाँ से उठा के हम जब हर महीने जब भी आवश्यकता है तो हमने फलाना से मंगा लिया, ये सब तो वो हम नहीं करना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि खुद के जो हमारे फार्मर्स हैं उससे आए, तो वो जब प्रोड्यूस आएगा तो साल भर का स्टॉक करना है। वो करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने बड़ा बना दिया, अभी हमारा 13,000 स्क्वायर फीट पे पूरी प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें से 150 टन का हमारा खुद का कोल्ड स्टोरेज है और 200 टन का वेयरहाउस अभी और तैयार हो रहा है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि ये सब करने के बाद भी जो एक एक लिमिटेड हम कस्टमर्स को सप्लाई कर पाएंगे, तो ये मैं जो बता रहा था कि कस्टमर्स तो मार्केट तो मैंने क्रिएट किया अपने स्तर पे, पर वो वही है कि प्राइस हमने उसको मेंटेन रखी है इसलिए वो मार्केट क्रिएट हो पाया। अगर मैं यही प्राइस 150 की जो उड़द की दाल अगर मैं 300 रुपये कर दूँ तो वो मार्केट हमारा सब टूट जाएगा। तो प्राइस का जो है वो हमें इसमें इसको देखना है, मार्केट के हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। और इसमें हम फार्मर्स को कैसे ज़्यादा दे पाए तो उसके लिए हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें कम करने पड़ेंगे। और जहाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ मार्केट बहुत गिर चुका है, तो एग्जांपल के तौर पे 2 साल पहले हल्दी का मार्केट बहुत गिर गया था और तो हमें लगा कि कस्टमर्स को हमें स्टोरी कन्वे करनी पड़ेगी कि हमारी हल्दी अब डबल क्यों हो रही है। तो जैसे अगर किसी प्रोडक्ट में हम बिकॉज ऑफ मार्केट रेट बहुत कम है और कंज्यूमर्स को और फार्मर्स को वो पहुंचा नहीं रहा है, मतलब उसके लिए नुकसान है वो रेट, तो अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं तो फिर वो स्टोरी हमें कंज्यूमर को बतानी पड़ती है और फिर जाकर उसका हाई प्राइस पे मार्केट, उसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो वो हम फिर साथ में काम करते हैं उसके लिए। तो ये रोहित तो जी थोड़े मेरा सवाल ले अनुभव लें रहा। फिर। हाँ थोड़ा सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं भी हाँ यही कह तो रहा फिर था। हाँ वापस और जी आप जोड़ दीजिएगा। तो दो तीन सवाल, एक तो ये था कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है और जैविक किसानों के साथ काम कर रहा है साल दो साल, तो आपके क्या सुझाव है? अगर वो पैशनेट है, कमिटेड है, वो जो तीन कंडीशन आपने जो कहा, तो वो क्या क्या कर सकते हैं तुरंत में, मतलब इमीडिएटली क्या क्या वो हो सकता है? दूसरा, ओवरऑल आपके थोड़े नंबर्स बता दीजिए, कितना सेल्स है, कितने कस्टमर है आज की तारीख में, जो ओवरऑल आपका जो स्केल ऑपरेशंस का है ना? और अगर वेस्टर्न इंडिया में, जैसे खासकर काफ़ी लोग इस मीटिंग में जो जुड़े हैं वो पश्चिम भारत से हैं, तो वो क्या बैनियन रूट से जुड़ सकते हैं अगर उनके पास जैविक उत्पाद है? और मतलब दिस क्वेश्चन इज फॉर आशीष जी ऑल्सो, सो कैन दे, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन दिल्ली मार्केट और ज़्यादातर उदयपुर और ये वाली मार्केट में, तो ये प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से भी है, तो क्या वो जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं? जी सॉरी, ये बीच में मैं सो गया। आपका पहला सवाल क्या था? हाँ, पहला सवाल था कि अगर जैविक, यहाँ पे जो संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं उनको जैविक मार्केटिंग में एंटर करना है, और अगर वो कमिटेड है, पैशनेट है, जिस तरह से आप कह रहे थे, तो वो कैसे क्या कर सकते हैं शुरुआत में, इमीडिएटली वो क्या क्या कदम ले सकते हैं शुरुआत में क्या कर सकते हैं? वेस्टर्न इंडिया, और इसी कॉन्टेक्स्ट हिसाब से आप बात कर सकते हो, है ना? दूसरा, आपके जो ऑपरेशंस है उसकी क्या स्केल है, किस तरह से आप नंबर्स वगैरह थोड़ा आप अगर आप बता सकें। और तीसरा, यहाँ से अगर आपके साथ और आशीष जी के साथ जैविक हार्ट और बैनियन रूट्स के साथ ये जुड़ना चाहेंगे, उनके पास अगर प्रोड्यूस है और कुछ स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं क्लस्टर बेसिस पे, तो कैसे कर सकते हैं वो, अगर आप उसका प्रोसेस समझा दें। हाँ, तो अगर है ना कोई भी वेस्टर्न इंडिया में और शुरुआत करना चाहता है तो मैंने जैसे बताया पहले तो अपने प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने होंगे कि किन प्रोडक्ट्स को हमें मार्केट करना है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद तय करना है कि कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है। अभी ऑनलाइन मोड भी है कि आप घर बैठे भी अपना एक ऑनलाइन एक बार प्लेटफॉर्म से शुरू करें, पर मुझे लगता है कि ऑफलाइन प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों होना चाहिए। और ऑनलाइन इसलिए होना चाहिए कि कस्टमर्स एक बार आपसे जुड़ गया तो फिर वो बार बार आना नहीं चाहेगा, तो वो आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप भी सीधा, आजकल तो व्हाट्सएप पे कैटलॉग बन जाता है और व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर लेके, हम तो इतने 14 साल से अभी भी हमारे पास ई कॉमर्स नहीं है और जो व्हाट्सएप से ही ऑर्डर आते, ई मेल, व्हाट्सएप, फ़ोन, ये ऑर्डर हम दे रहे हैं। और ये है कि बहुत ज़्यादा शुरुआत में रेंटेड और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम रखने हैं शुरुआत में, नहीं तो हम बहुत जल्दी वो हार
हार जाएंगे और बंद हो जाएंगे। जितना किराया कम से कम हो सके, ऐसी अगर हमारे पास किराए की जगह पे शुरू करना है, कोशिश हो घर की जगह पे शुरू हो। अभी हमने जितने भी नए लोग अभी साथ में जुड़ के स्टोर शुरू किए हैं, सबके घर से शुरू करवाया है, क्योंकि वो किराया फिर निकलता नहीं है और आदमी फिर थक के थोड़े टाइम में बंद कर देता है। तो ऐसे शुरुआत की जा सकती है। और स्टॉकिंग शुरुआत में वही कम रखनी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो हम ज़्यादा स्टॉकिंग करने जाने वाले भी स्टोर्स बहुत बंद हो गए जिन्होंने शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया। और उसके बाद कंज्यूमर्स के जो ऑलरेडी शहर में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, अर्बन कंज्यूमर्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, जैसे आशीष जी ने कहा था कंज्यूमर्स तो रूरल भी है, सभी लोग कंज्यूमर हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं, पर मैं अभी तक अर्बन कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी उनकी है और रूरल कंज्यूमर फिर भी अपने आसपास से ले लेता है। तो अर्बन कंज्यूमर के लिए अपना जो भी हमें स्टोर शुरू करना है या मार्केटिंग का काम शुरू करना है, तो वहाँ पर शहर में कोई ना कोई क्लब्स बने हुए हैं, कोई ग्रुप बने हुए हैं, तो उनके साथ एक बार जुड़ जाना है जी। और सेकंड है स्केल वाला सवाल। तो स्केल के लिए अभी हम जो अगर हम रो प्रोड्यूस देखें तो हम साल भर का 300 से 400 टन रो प्रोडक्ट फार्मर से लेते हैं। इसमें हमारे पास सारी पल्सेज हैं जो यहाँ पर होती है, तुअर, उड़द, चना, मूंग और मसूर, और उसके बाद मसाले हैं हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा, राई, मेथी, सौंफ, और फिर उसके बाद मिलेट्स हैं, और मिलेट्स के फिर हमारे पास कुकीज़ हैं, चिवड़ा है और स्नैक्स के आइटम हैं, और फिर आटा और ये सब है। और अभी नेट टर्नओवर तक लगभग, हाँ हाँ, और टर्नओवर हमारा 2 करोड़ से ऊपर का है अभी सालाना। और उसके बाद कोई जुड़ना चाहे तो बिल्कुल एक बार हम वहाँ पर जहाँ जिस भी एरिया वहाँ का थोड़ा बातचीत की जा सकती है, वहाँ कौन है, कोई रेफरेंस है, तो मतलब हम डायरेक्टली जैसे आपने किसी ने फ़ोन किया और वैसे जुड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस और ये सब देखना पड़ता है, फिर हाँ पर जुड़ सकते हैं मतलब। तो अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड, इसमें दूसरा तरीका यह है कि अगर आप सालों से जेन्युइनली ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमारे पास इंक्वायरी अक्रॉस इंडिया से आती रहती है, तो उनको भी कनेक्ट किया जा सकता है। बस जी, ठीक है, ठीक है सर। तो आशीष जी, यू वांट टू गो, और शिरीष जी ऑल्सो हैज अ I think let us क्वेश्चन। take the question from Sirish ji and then I will. या शिरीष जी, प्लीज गो अहेड। Yes, Rohit, I just want to make two, three comments and ask one question. So first of all, it's a great approach and I really like what you have done. And it's very, very realistic, unlike many other people who have some fancy ideas. I have two questions. One is that you talked about, how do I manage my stocking levels? So one of the things you are planning to try, so I want to have your opinion whether you have tried it, कि जैसे मान लीजिए कोई FPO आपको सप्लाई कर रहा है, तो यू से दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन दिस इज द प्राइस, द करंट प्राइस, ठीक है, एंड देन द FPO विल स्टोर इट। स्टोर करने के लिए FPO को बाजार से कर्जा मिलता है, स्पेशली इश्यू से कि वी आर गोइंग टू बाय इट, एंड देन टू द FPO एवरी मंथ यू पे इंटरेस्ट प्लस वेयर हाउस चार्जेस प्लस द ओरिजिनल प्राइस, ताकि ये जो स्टॉक है वो FPO लेवल में रहेगा, नज़दीक रहेगा, छोटे क्वांटिटी में रहेगा, तो उसका रखरखाव करना भी तुलना में आसान हो जाएगा। तो ये आपने मॉडल ट्राई किया है, अगर है तो आज का अनुभव क्या है, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपने जो बताया उसमें एक मुझे ऐसा लगा है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन साइड में अच्छा काम करते हैं, खासकर NGOs, लेकिन जो NGO प्रोडक्शन साइड में काम करता है, क्या उसको उसी को ही मार्केटिंग साइड में भी काम करना चाहिए, या आप जैसे लोग हैं जो एक मार्केटिंग साइड में काम करने, क्योंकि उनकी एप्टीट्यूड अलग होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, प्रोडक्शन का तरीका अलग होता है, तो क्या आप ये बोलेंगे कि ये दो ग्रुप अलग होने चाहिए, और दूसरा जो मैंने कहा कि वो स्टॉकिंग का। थैंक यू। थैंक यू श्री जी। तो पहला आपका जो सवाल था कि स्टॉक लेवल मेंटेन करने के लिए, तो हमने ये मॉडल ट्राई किया है और इसमें एक FPO सक्सेसफुल रहा है, बाकी FPO के साथ नहीं बैठ पाया। तो जिस FPO की टीम अच्छी है, जिस FPO में CEO को पावर है कि वो अपने हिसाब से
और सीईओ भी बहुत एंटरप्रेन्योर है, तो वो क्या क्वालिटी मैनेज कर पाता है? सपोज आपने एक एफपीओ को बताया कि आप जैसे हम एक एफपीओ के साथ काम कर रहे हैं, वो टूअर स्टॉक करते हैं ना, तो अगर वो टूअर स्टॉक करते हैं और स्टॉक का पेमेंट पूरा वही देते हैं, तो अब वो एफपीओ टूअर का रखरखाव कर पा रही है। दूसरे एफपीओ में क्या होता है कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाते, वेरा उसको बहुत टाइम टाइम चेक करना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो कई बार जैसे आपने तय किया कि हमने सपोज आपने 100 रुपीज़ में खरीदा है और हम इस मार्केट बढ़ गया, तो तब हम बिल्कुल बातचीत करके मार्केट के हिसाब से उसको करेंगे, तो ये पर अचानक से सडन से कुछ डायरेक्टर्स निकल के आ जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं, जबकि सब कुछ सही होता है, पर अचानक से ये हमारा अनुभव रहा कि एक एफपीओ के साथ कि उनमें वो डायरेक्टर्स ने बीच में मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्शन शुरू कर दिए और अच्छा खासा उनका चलता हुआ हमारे साथ कॉलोब्रेशन ब्रेक हो गया। पर हाँ एक एफपीओ के साथ अच्छा चल रहा है क्योंकि वहाँ पर सीईओ और उनकी टीम पूरी एंटरप्रेन्योर है, वो समझ पाते हैं मार्केट डायनामिक्स, और वो पूरा तो अभी लगभग हम 60-70 टन जो हमें नहीं सॉरी टूअर हमें 40 से 50 टन हमारा टूअर है, वो पूरा साल भर का वो प्रोक्योर कर रहे हैं। और अगर ऐसे कुछ एफपीओज हैं जो बिल्कुल मार्केट के साथ कोलोबरेट करके काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ ये किया जा सकता है। और सेकंड है कि जो अपना मार्केटिंग के लिए दूसरी सेपरेट टीम मुझे लगता है होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो सब प्रोडक्शन में हैं, और अगर वो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, तो पहला तो यही है कि अगर कोई आपको मार्केटिंग के लिए पार्टनर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही मार्केट को समझने वाले लोग चाहिए। और अगर वो नहीं है तो सेपरेट टीम होनी चाहिए जो पूरा मार्केटिंग के काम को हैंडल करे। अगर जो प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं वो अगर मार्केटिंग में घुसेंगे, तो एक तो वो कमिटमेंट टाइम पे रिप्लाई मतलब वो कमिटमेंट नहीं होगा। अभी मैं आज ही जहाँ मीटिंग थी वहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो वो तो एक व्यक्ति जो किसानों के साथ और एफपीओ के साथ काम करें, वो बोलते हैं भाई व्हाट्सएप पे भी टाइम पे रिप्लाई नहीं आ पाता है लोगों का, कि कभी कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या कभी कुछ पूछना है या रिप्लाई। तो जो प्रोडक्शन में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि वो इतने चैलेंजेस में ऑलरेडी गुजर रहे हैं, और मार्केट इतना वैसा है कि मार्केट में सबको तुरंत जवाब चाहिए। अगर आपने कोई क्वेरी आई मार्केट में, सपोज किसी को तुअर दाल चाहिए 10 टन, और आपने उसको विद इन अ डे और टू में उसको जवाब नहीं दिया, उसका क्वेरी कन्वर्ट नहीं करी, तो वो सेल चली जाएगी। तो प्रोडक्शन वालों के साथ ये बहुत बड़ा इशू आता है, तो एक सेपरेट टीम हो तो काम किया जा सकता है। थैंक यू। हाँ ठीक है, तो दूसरे सवाल ले लेते हैं। एक जगवीर जी के था कि कौन से इजी प्रोडक्ट्स हैं आपके ध्यान में और कौन से डिफिकल्ट हैं, अगर वो एंट्री करना चाहे। और एक और सवाल था कि एक्सपोर्ट के ऊपर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरह का एक्सपोर्ट आप करते हो और कैसे करते हैं। जो एंट्री के लिए जो इजी प्रोडक्ट्स हैं, तो इजी प्रोडक्ट्स में मुझे हमेशा लगता है कि गेहूं का आटा, क्योंकि वो हाईली कंज्यूम होता है और वो है। पर उसमें आपको का एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस कस्टमर बेस के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप साउथ में काम कर रहे हैं तो मे बी आपको फिर साउथ के हिसाब से राइस उठाना पड़ेगा, पर आप नॉर्थ में। और दूसरा आपके पास रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है ना, उससे भी। तो अगर आप मान लो आपके पास गेहूं है ही नहीं, ऑयल सीड है, तिल्ली है, तो फिर वो ऑयल सीड में ऑयल्स भी बहुत मतलब मार्केट उसका काफ़ी है, तो ऑयल्स में बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अभी सामने आए हैं जो ऑयल्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑयल भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। और जितने भी जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा सही है, गुड़ है, रो शुगर हो गया। एक वो सा एक्सपोर्ट पे था जी। जो एक्सपोर्ट वाला था, तो मेरा अनुभव तो ये रहा है कि एक्सपोर्ट में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कनेक्शंस हैं, सब हैं, पर वहाँ आपके पास रिक्वायरमेंट आती है पूरी बड़ी, 40 टन पूरा कंटेनर चाहिए, 80 टन चाहिए, और उतना हमारे पास जो हम सब लोग जो प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा इतना जेन्यून प्रोडक्ट मिल नहीं पाता है। तो बड़े प्रोडक्ट्स जो जनरली एक्सपोर्ट की क्वेरीज हैं, वो किसी बड़े इम्पोर्टर्स नहीं आपको दी होती है, तो वो तो आप डील करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए इंडिया में ऑलरेडी इतने लोग बैठे हुए हैं जो कम से कम प्राइस में उसको क्रैक करके ले जाते हैं, और हमारे पास तो वैसे भी चैलेंज, एक 40 टन अचानक से मांग लिया तो हम कहाँ से लाके देंगे। और ये सारी क्वेरीज हैं वो एक्सपोर्ट की
आपको मिड ऑफ द सीजन आ रही है, वो हार्वेस्टिंग सीजन पे नहीं आ रही है, अचानक से आपके पास आएंगे कि हल्दी चाहिए अभी, तो अब तो आपने तो स्टॉक करी नहीं, आपके पास इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तो वो इसलिए। पर अगर आपके पास एक्सपोर्ट में डायरेक्ट जैसे D2C ब्रांड्स है, D2C मतलब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को देने वाले जैसे छोटे ब्रांड्स हैं, तो वो हैं, तो आप उनको दे सकते हैं, पर उसके लिए बहुत सारे कागज की कार्रवाई है जो कि करनी होती है। मतलब आपका शायद आपको वही मैंने कहा एक सेपरेट आदमी या एक टीम बिठानी पड़ेगी जो सारे पेपर वर्क डील कर सके, जिसमें FSSAI के दूसरे सर्टिफिकेट लग जाएंगे, उस देश के लगेंगे, तो ये एकदम से नए व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। या फिर उसके पास फोकस टीम है जो सिर्फ ये सारे पेपर वर्क हैंडल कर लेगी, तो उसको जाना चाहिए, पेपर वर्क काफी ज्यादा है। ठीक है, धन्यवाद रोहित जी। आशीष जी, डू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस डिस्कशन और फिर टेक। हाँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। इनिशियली मैं बता नहीं पाया था कि हमारे बिजनेस की कैपेसिटी कितनी है दिल्ली में। ये ज़रूरी है बताना, बिकॉज़ काफ़ी टाइम ऐसा होता है लोग समझते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए हैं तो करोड़ों में खेल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से रोहित ने हमसे बाद में बिजनेस शुरू किया और वो हमसे 1.5 गुना ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं उदयपुर में बैठे हुए। दिल्ली की सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, इतने खर्चे हैं यहाँ पे। हाँ तो पेपर हो गए ना दिन, जी, आदमी नहीं, आदमी से किसी गलती से हेलो, अनम्यूट हो गया है। शैल आई कंटिन्यू? प्लीज गो अहेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक। हाँ, सो दिल्ली में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने सब्सिडाइज नहीं किया अपने आप को, ना ही हमारी फैमिली इन्वॉल्व है, ना ही हमने घर से रन किया। जैसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति दुकान खोलता है, सारे के सारे कंप्लायंसेस फॉलो करता है। तब वैट था, FSSAI भी नहीं था, इफ आई रिकॉल। FSSAI के मच लेटर, MCD के लाइसेंसेज, ये वो सब कर करा के हमने बिजनेस सेटअप किया। हमारा जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है दिल्ली में वो 30 से 50 लाख रुपए सालाना, फिर से दोहरा देता हूँ, 30 से 50 लाख रुपए सालाना है, और ये हमारी सच्चाई है। हम जितना जितने छोटे व्यापारी 2009 में थे, लगभग उतने ही छोटे व्यापारी हम दोबारा 2024 में बन गए हैं। कारण इसका यह है कि दिल्ली में जो हमारे ऊपर गाज गिरे रेगुलेशन के, कभी सुप्रीम कोर्ट में आके, कभी MCD ने सीलिंग कर डाली हमारी दुकान की, और फिर हमें सड़क से बेचना पड़ा माल, ये सब हमने झेला है। और ऐसी ऐसी चीज़ें झेली हैं कि अब हम बोलते भी नहीं है बच्चों को कि इस बिजनेस में आओ तुम। जो ये 30 से 50 लाख रुपए का बिजनेस है, इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि फ्रेश प्रोड्यूस का बिजनेस करें, सब्जी फलों का बिजनेस करें, क्योंकि मिलेट्स और ये सारा करना फिर भी थोड़ा आसान है। हाँ, मुश्किलें हैं जैसे रोहित ने बोला है, लेकिन जो सब्जी और फल का व्यापार है ये बहुत मुश्किल है, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल है दूध का व्यापार। जैसे अक्षयकल्पा वगैरह कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर पाई हैं, वो भी इसीलिए कर पाई हैं क्योंकि उनको वैल्यूएशन का पैसा मिला है। हमें तो ना किसी बैंक ने पैसा दिया, ना ही हमने कहीं से कर्जा उठा पाए। फंड्स ही नहीं है मतलब इस बिजनेस के अंदर, जैसे रोहित का था। रोहित ने तो फिर भी किसी दोस्तों से पैसे वैसे लेके चला लिया काम, हमारे पास तो वो भी नहीं था। तो आप अगर इस बिजनेस में घुसे, और ना ही आज तक है हमारे पास ये, हम बिजनेस से ही पैसा निकाल रहे हैं, और बिजनेस से ही पैसा लगा लगा के, जो हमारा ऑथेंटिक कैश फ्लो बिजनेस जिसको कहते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये बहुत बेकार है या छोटा सा है, इट्स नॉट इवन अ मॉडल, बट यही सच्चाई है। जो ये बिजनेस करेगा वो जानेगा कि जो कैश फ्लो का बिजनेस है वही वास्तविक बिजनेस है, बाकी जो ये वैल्यूएशन के धंधे हैं, कितने खुलते हैं कितने बंद हो जाते हैं, रोहित ने आपको बता दिया। दिल्ली में भी हम हर साल देखते हैं कितने बिजनेस खुलते हैं कितने बंद हो जाते हैं। इन्वेस्टर का पैसा ले लिया, लगा लिया, अपनी तनख्वाह वगैरह निकाल ली, लेकिन किसानों का फायदा हो पाया है, ग्राहकों का फायदा हो पाया, ये हमने तो होते देखा नहीं है। तो कुछ बीच में हमने ये भी किया था, नेटवर्क में रोहित के कुछ प्रोडक्ट्स हमने दिल्ली में सेल किए। जैसे रोहित ने कुछ बताया था कि कुछ कभी कंप्लेंट्स आ गई कंज्यूमर की, कुछ हमारे एंड से भी आए थे। इन्होंने वैल्यू चेन में बिस्किट्स वगैरह बनाए, बड़ी मेहनत की रोहित और इनकी टीम ने वहाँ पे, हमने दिल्ली में भी बेचने की कोशिश की है। कुछ सक्सेसफुल था, कुछ फेलियर्स थे, पर मिला जुला कुछ एक रिस्पॉन्स रहा है। तो ओवरऑल हमारा जो सोशल एंटरप्राइज है वो इस तरीके का है कि मेजॉरिटी इक्विटी ग्राम दिशा ट्रस्ट के पास है, वो मेरे पास भी नहीं है एज एन एंटरप्रेन्योर, इसीलिए हम सोशल एंटरप्रेन्योर हैं इन द डेफिनेशन। अदरवाइज वैल्यूएशन के दम पे तो लोग इक्विटी देते हैं इन्वेस्टर्स को, पैसा उठाते हैं और करते हैं। शिशिर जी ने वो सवाल FPCs का पूछा था, 7 FPCs हम लोग मैनेज कर रहे हैं सरकार या यूनिवर्सिटी के साथ मदद करके हिमाचल में। ये सातों की सातों FPCs का प्रोडक्शन बेस भी है,
प्लस इनकी जो एग्रीगेशन का चैलेंज है वो इतना आसान नहीं है जैसे आप बता रहे हैं कि पैसा मिल जाता है, एफपीसी को डेट मिल जाता है, डेट मैनेजेबल है। छोटे किसानों के लिए इट इज़ नॉट दैट इजी। इवन टुडे इवन हमने वहाँ पे 3 दुकानें सीड की, सीड फंडिंग दिया ग्राम दिशा ट्रस्ट ने एक एफपीसी को यहीं करसोग इलाके में 3 दुकानें खोलने का। वो दुकानें दे वो सपोज टू डेवलप एज कलेक्शन सेंटर्स या प्रोसेसिंग सेंटर्स, उनकी लाइसेंसिंग करने में ही जान निकल गई, इतनी जान निकल गई कि अभी भी वो ऑप्टिमल कैपेसिटी पे चल नहीं रहे हैं, कुछ लॉस में ही चल रहे हैं, मिले जुले तरीके से चल रहे हैं। तो ये बाकी भारत में एफपीसीज कैसे चल रही हैं, उनके प्रमोटर्स कैसे चल रहे हैं, वो मैं तो उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो हमने अपने हाथ से एफपीसीज चलाई हैं दे आर फार फ्रॉम दैट लेवल जो आप इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पे पहुंचेंगे। और यही जमीन की सच्चाई है, यही छोटे किसानों की सच्चाई है जो हमने अपने हाथों से बनाई की और देखी है। और रही बात लोगों के जुड़ने की, मोर देन वेलकम। जो लोग पहला कदम उठाना चाहते हैं और उनको पहला कदम उठाने में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज कॉन्फिडेंटली जैविक हाट के पास आइए, हम आपको निराश होकर जाने नहीं देंगे, लेकिन चैलेंजेस के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाइए, प्राइसिंग से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, वैल्यू चेन से रिलेटेड। और जो आप न्यूनतम लेवल पे इजीली कर सकते हैं, चाहे हल्दी हो, चाहे मसाला हो, चाहे गेहूं आटा, जो भी आपको एज अ ग्राहक लगना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट कॉन्फिडेंटली खरीद सकते हैं। अदरवाइज आप भी एज अ ग्राहक कंप्लेंट करते हैं ना कि ये वाला प्रोडक्ट ठीक नहीं है, ये तो बेकार है, उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो जाना उस वास्तविकता या सच्चाई के साथ। और अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए जैविक हाट में, आपके पहले कदम तो बाजार में, दिल्ली के बाजार में हम पढ़वा के ही छोड़ेंगे और आपके खाते में पैसा जाके ही छूटेगा। ये जो एप्पल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ये एक एफपीसी है स्पिति में बैठी हुई, वो एक भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, 4 साल से रजिस्टर्ड है वो, और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। हम स्पिति गए, उनको बोला 60-65 डब्बे अभी भेजिए दिल्ली और आपके खाते में पैसा जाएगा, और आज उनके खाते में हमने पैसा डाल के ही छोड़ा। और उनका जो एप्पल है वो बैंगलोर भी पहुंच रहा है, दिल्ली में भी बिक रहा है, और इस तरीके का हमारा व्यवस्था है। तो यदि आप छोटा बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, आप छोटे तरीके से शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ आइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, और पीछे मत हटिए, चैलेंजेस आएंगे, मिलके सामना करेंगे और पार करेंगे। तो लगे रहिए, आप लगे रहेंगे तो हम भी लगे रहेंगे। जी, धन्यवाद आशीष जी. सो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मुकेश गुप्ता जी. इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लोर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स फॉर मार्केटिंग, पर्टिकुलरली इन अर्बन एरियाज, एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस दैट यू कैन शेयर? एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग हब्स व्हिच आर मैनेज्ड सेंट्रली बट द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड? सो दैट इज द अदर ओके, क्वेश्चन. सो फ्रॉम रोहित, आई थिंक ही हैड आंसर्ड दिस पार्शली बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग हिज डिस्कशन बेस्ड ऑन उदयपुर। फ्रॉम दिल्ली व्हाट आई विल से इज दैट वी ट्राइड क्रिएटिंग दिस CSA बेस्ड कंज्यूमर मॉडल्स, दे वॉन्ट रियली सक्सेसफुल। अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस डजेंट रियली वर्क इन दिल्ली, वी बर्नड आवर हैंड्स अ लॉट। वी कुड ट्राई इट अगेन बट देन द कॉस्ट ऑफ रनिंग सच अ बिजनेस इज वेरी हाई। एज रोहित हैज सेड कि उनको 14 साल हो गए ई कॉमर्स सक्सेसफुल नहीं है, हमें 16 साल हो गए, तीसरा इटरेशन है हमारा वेबसाइट से, कोई खास रिटर्न आ नहीं रहा, इनफैक्ट ऑर्डर आते भी नहीं है। उसको प्रमोट करने के लिए पता नहीं कितने 10-10 लाखों खर्चने पड़ेंगे सोशल मीडिया और इस पर, और सबके पास अपनी जस्टिफिकेशन है कि क्यों ई कॉमर्स वर्क्स, फॉर अस इट हैजेंट वर्क, इट इज जस्ट अ मनी च्यूइंग काउ विच डजेंट ऑफर एनी यील्ड और रिटर्न। सो रही बात इसकी, इट कुड बी ट्राइड इन सम इनोवेशन दीज कंज्यूमर रेजिडेंशियल सोसाइटी वाला मॉडल, बट इवेंचुअली यू हैव टू एड्रेस इट फॉर द कॉमन मार्केट बाय एंड लार्ज। आला कार्ट वट एवर यू कैन मेक अवेलेबल टू द कंज्यूमर, दैट इज वॉट द फाइनल मार्केट इज ऑल अबाउट। एंड द योर व्यू अबाउट द डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग हब्स मैनेज बाई सी एस ओज, इट इज पॉसिबल बट इट हैज़ टू स्टार्ट एट अ सर्टन ऑप्टिमल स्केल। इन हिमाचल प्रदेश वी डिड अ फ्यू एक्सरसाइजेज, द प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज यूज टू कोल्ड प्रेस्ड एप्पल फॉर अ सर्टन एफ पी सी, इट हैड पार्शियल सक्सेस। द रीजन वाई इट हैड पार्शियल सक्सेस इज दैट द वॉल्यूम टर्न्ड ओवर बाय द एफ पी सी वॉज टू हाई, दे मैनेज टू गेट 20-25,000 लीटर्स एंड इन द फर्स्ट गो इट्स जस्ट इम्पॉसिबल टू मार्केट दैट हाई वॉल्यूम। हैड दे स्टक टू 5 और 6,000 लीटर्स, यानी वही छोटा करने में शर्मिंदा शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर आप छोटा करने में विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यू कैन गेट अ नाइस ऑप्टिमल प्राइस रेंज टू रीच आउट टू द कंज्यूमर एंड स्टिल बी एबल टू रिटर्न इन सम मार्जिन्स, बट वही आपको प्राइस डिस्कवरी मार्जिन डिस्कवरी करके ही पता चलेगी। सो इन जैविक हार्ट वी हेल्प यू डिस्कवर दैट, वी हेल्प यू टू गेट टू ऑप्टिमल वॉल्यूम्स, वी हेल्प यू टू ट्रेड ऑफ मार्जिन टू वॉल्यूम एंड स्टिल लॉन्च अ प्रोडक्ट
and we help you to understand ki you should increase capacity of your production by 10 to 25% year on year rather than aim to achieve thousands of tons or hundreds of tons in the first year itself. तो वो धीमी गति का जो बिजनेस है वो पॉसिबल है बट इट नीड्स टू बी डन ऑन अ केस बाय केस बेसिस. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. या इट डज. सो एक सवाल ये था रोहित जी और आपको दोनों, व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट यू सजेस्ट, लाइक व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन दैट यू ऑपरेट थ्रू, इज इट अ कंपनी एन एफपीओ, व्हाट इज इट एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ पर्सन हु वांट्स टू गेट स्टार्टेड. रोहित आप पहले जवाब देना चाहें. म्यूट पे है आप रोहित? रोहित जी म्यूट पे. हाँ तो बैनियन रूट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पर मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शुरुआत में या एलएलपी ये सब करने की आवश्यकता नहीं है हमें तो, क्योंकि जब हमने मैंने आपको बताया था 2017 में हमें फर्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट के लिए फंड मिल रहा था और उन्होंने कहा था आपका प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए तो हमने बनाया, पर जब तक कोई पैसा देने को तैयार नहीं तब तक कोई बना, आप सिंपल सा एक प्रोपराइटर फर्म या पार्टनरशिप फर्म बना के शुरू करें, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके उतने कंप्लायंसेस में अपने को उलझना पड़ेगा अनलेस जब तक कोई फंडिंग अवेलेबल है जिसके लिए आपको वो बनाना है तो ही उसको हमें वो संस्था या वो कंपनी वो बनानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. हमारे केस में लगभग 14 साल तक एज ए प्रोप्राइटरशिप रन किया हमने, सिंपल प्रोप्राइटरशिप सक्सेसफुल रहे मतलब कंप्लायंसेस के हिसाब से, और प्रोप्राइटरशिप के बेस पे हम 65 से 70 लाख के टर्नओवर पे पहुंच गए थे दिल्ली में. दिल्ली में हम आज तक 1 करोड़ के टर्नओवर को टच नहीं कर पाए हैं. और उसके बाद फिर 2020 में हमने डिसाइड किया कि हमें सोशल एंटरप्राइज ही बनाना है और सिर्फ एक जबानी तौर पे सोशल एंटरप्राइज नहीं बनाना है, या फिर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर बोल दूँ मैं सोशल एंटरप्रेन्योर वैसा नहीं किया हमने. तो हमने ग्राम दिशा ट्रस्ट जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेजॉरिटी इक्विटी दे दी. ये एक इनोवेशन था, एक इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन था, बहुत मुश्किल आई हमको ये करने में लेकिन हम कर पाए दिल्ली में बैठे हुए, विच वॉज टू प्रूव टू आर सेल्स ऑल्सो कि हम ऐसा कर सकते हैं. भारत में अभी सोशल एंटरप्राइज की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है तो यूजिंग द एग्जिस्टिंग लॉज यही बेस्ट हम कर सकते थे, ये हमने कर डाला. कुछ इक्विटी मेरे पास है, कुछ इक्विटी मेजॉरिटी इक्विटी ग्राम दिशा ट्रस्ट के पास है, और अब जो हमारे पुराने स्टाफ मेंबर्स थे जो बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको मैंने फिर इक्विटी वेस्ट करनी शुरू की अपनी, ताकि वो भी मालिक बनना शुरू करें इस बिजनेस में. आने वाले टाइम में अगर कोई अच्छे इन्वेस्टर्स आते हैं, कोई पार्टनर्स आते हैं, हम ढूंढ रहे हैं आज भी, 16 साल से ढूंढ ही रहे हैं, अभी भी ढूंढ ही रहे हैं. तो अगर आप अपने नेटवर्क में कोई हैं अच्छे लोग जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एक्विटी के माध्यम से दिल्ली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस तरीके के बिजनेस डेवलपमेंट में, वी विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू और एनी वन ऑफ योर रेफरेंस. एक्विटी के बेस पे आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बट एक्टिव काम करने के लिए आइएगा, सिर्फ पैसा डाल के फिर वो दूर से खेल देखने वाला काम हम नहीं कर सकते. ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर. तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और जो FPCs हैं उनका मेंटरशिप की है, 7 FPCs की, जिनमें से 4 अभी पॉपी मैनेज कर रहा है, उनकी एक फेडरेशन बनाने का प्लान है. और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन मार्केटिंग ब्रांडिंग का मॉडल बोल रहे हैं इसके ऊपर हम जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आने वाले सालों में. तो ये स्ट्रक्चर है करंटली हमारे सोशल एंटरप्राइज का दिल्ली में. जी धन्यवाद आशीष जी. सो आई थिंक दैट्स इट, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. नरेंद्र जी का एक हाथ उठा हुआ है, नरेंद्र रेड्डी गुरु, मे बी यू हैव अ क्वेश्चन. हाँ आशीष भाई, आपने जो मैसेज दिया था वो कांटेक्ट करने के लिए, मैं जो कॉर्न के लिए पूछा था, एक्चुअली इफ इट इज पॉसिबल टू हैव द लिस्ट ऑफ सीड्स अवेलेबल दैट विल बी ग्रेट. कम से कम मैं इसको लूंगा, मैं वो तो यू नो मेरा इच्छा है, बट एनी अदर सीड्स ऑल्सो, बिकॉज आई प्रोक्यूर नेटिव सीड्स, आई गिव टू द फार्मर्स फ्रीली, डिस्ट्रीब्यूट देम फ्रीली. So, I would like to procure native seeds. तो maize का अगर access details दे सकेंगे तो अच्छा होगा. नरेंद्र जी, which organization do you belong to? I am with a small NGO, Niramaya Society का नाम से, हैदराबाद में हूँ और natural farming promote करता हूँ और गांव में जाके farmers को, क्योंकि वो खुद आजकल ऐसा हो गया है सब पैड ही रखते हैं, खुद के खाने के लिए भी यू नो वेजिटेबल्स उगाते नहीं है, तो
ये बहुत बुरी हालत है, बहुत दुख होता है। 70% ऑफ आवर वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम बेंगलुरु, मांड्या, विजयवाड़ा एंड नागपुर एंड ऑल दैट, एंड इट्स वेरी सैड। सो आई डोंट नो द नेक्स्ट 5 years व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ ब्रिंग यू नो एटलीस्ट वेजिटेबल्स बैक इनटू यू नो द फार्मिंग लोकली। Okay, so I have just put my email address, Narendra Reddy Garu. हाँ Send me an email. I will try and connect you with the CEO of the FPC. You can directly procure from them. My only caveat is that this is a hill variety of maize. It may or may not work there, but ये तो try करके ही पता चलेगा हाँ यू कि नो नहीं वी विल ट्राई, है। वी विल ट्राई। आई मीन Okay. दैट्स द फर्स्ट स्टेप एनीवे, यू Yeah. नो। या एंड एंड या सो आई विल कांटेक्ट यू। एंड रोहित जी, आपका भी एक्चुअली आपका जो वेबसाइट है, शॉप का जो है वो खुल नहीं रहा। अब म्यूट में एक्चुअली और हाँ, रोहित। नहीं, मैंने आपको बताया था, हम ई कॉमर्स नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ व्हाट्सएप से जो ऑर्डर्स आते हैं, ई कॉमर्स हमने पहले शुरू किया, जैसे आशीष जी ने भी बताया, बहुत मुश्किल है अच्छा उसको हैंडल अच्छा करना, तो हमने ई कॉमर्स बंद कर दिया है। नहीं, तो व्हाट्सएप जिसको भी वाला ऑर्डर, नंबर, व्हाट्सएप वाला नंबर यहाँ डाल हाँ दें। वो है, वो वेबसाइट पर भी है और मैं यहाँ भी डाल देता हूँ। हाँ, यहाँ भी डाल दीजिए आप चैट में। अच्छा या दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो आई थिंक दैट्स इट। बहुत धन्यवाद आप दोनों को, रोहित जी, आशीष जी। मतलब मुझे इतना ही समझ में आया कि जहाँ भी हो, कैसे भी हो, थोड़ा शुरुआत तो करना चाहिए, कोशिश तो करना चाहिए अपने आसपास के मार्केट्स और इसको समझने के लिए, एंड देन फ्रॉम देयर विल वर्क फॉरवर्ड। यहाँ कोई साफ सॉल्यूशन तो पता नहीं चला अभी, बट इट्स अ प्रोसेस और कोशिश करना चाहिए। तो दैट्स द ओवरऑल थिंग व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। किसी को और जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। कविता, यू वॉन्ट ऐड समथिंग और वी कैन क्लोज? या आई थिंक स्मॉल इज ब्यूटिफुल इज ऑल्सो समथिंग दैट वॉज सेड अगेन एंड अगेन। तो बढ़िया, थैंक यू बोथ सो मच। थैंक्स आशीष, आपका थैंक यू रोहित जी, थैंक यू ओके, आशीष जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो धन्यवाद दोनों, मच। आशीष जी, कविता जी। मस्ते। थैंक यू, हाँ थैंक ठीक यू है सो रोहित, मच। हाँ मिलते हैं। थैंक यू थैंक रोहित भाई, थैंक यू आशीष जी। यू।